शीर्षक है, आज का शीर्षक है काल। तो प्रभु हमारे इस ग्रेस सुमित उपाध्याय प्रभु जी हमें सरल रूप से काल के बारे में भी समझाएंगे आप सभी भक्तों को। अब इसी तरह से इस सत्र को आगे बढ़ाइए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस छठवें सत्र में जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है भगवद गीता सरल रूप में। इसका छठवां और आखिरी सत्र है आज। तो आप लोगों ने इतने दिनों में बहुत ही अच्छे से सत्र अटेंड किए, अपना टाइम निकाला है इसके लिए, अपने बिजी शेड्यूल में से आपने इतना समय निकाला और बहुत अच्छे से अध्ययन किया, सुना और प्रश्न पूछे, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। और आज का जो हमारा सत्र है वो है काल पे, यानी काल यानी समय। तो आज का सत्र शुरू करने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में हमने एक गूगल फॉर्म भेजा है जिससे आपको सर्टिफिकेट डिटेल्स आप उसमें डाल सकते हैं कि किस नाम से आपको सर्टिफिकेट चाहिए और आप ईमेल जो है एड्रेस और जहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस पे सर्टिफिकेट आएगा तो आप उसको भर सकते हैं। और इसके अलावा उसमें फीडबैक भी रहेगा कि आपको सत्र कैसे लगे, तो वो टेंपल मैनेजमेंट को जाएगा वो फीडबैक, ताकि हम अपने जो प्रोग्राम्स हैं उसको और अच्छा बना सकें आपके फीडबैक के हिसाब से। और उसमें आपने किस भाषा में भगवद गीता का कोर्स अटेंड किया वो भी आप मेंशन कीजिएगा। वहाँ पे सब मल्टीपल चॉइस है, कहीं पे लिखना है अपना नाम, ईमेल एड्रेस और फीडबैक देना है तो आप वहाँ पे इस फॉर्म में दे सकते हैं। मैं यह चैट पे भी डाल दे रहा हूँ, अगर किसी ने व्हाट्सएप पे ना देखा हो तो ये फॉर्म जो है इसको आप जरूर भरिए, क्योंकि अगर हमारे पास डिटेल नहीं रहेगा तो वो सर्टिफिकेट प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। अगर ये उनके पास डिटेल नहीं रहेंगे किस नाम से सर्टिफिकेट बनाना है, किस ईमेल एड्रेस पे भेजना है, तो चैट में मैंने डाल दिया है, आप इस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके अलावा कल जो है, ये सत्र तो यहाँ पे खत्म हो जा रहे हैं, लेकिन जो कल एक अभिनंदन समारोह होगा सभी भक्तों के लिए, तो जो 11 अलग अलग भाषाओं में अभी भगवद गीता का ये सिंप्लीफाइड कोर्स चल रहा है, तो कल के प्रोग्राम में सभी 11 भाषाओं में जिन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो सभी मीटिंग ज्वाइन करेंगे। तो वो मीटिंग का लिंक अलग होगा, वो हम आपको कल व्हाट्सएप में डाल दिया जाएगा। और प्लीज वो प्रोग्राम आप अटेंड करें, क्योंकि उसमें सब अपने अपने रियलाइजेशन बताएंगे और किसने क्या उनको अनुभव हुआ वहाँ पे आप अपना मत दे सकते हैं कि कैसा आपको कोर्स लगा। उसके अलावा जो टेंपल प्रेसिडेंट हैं नरहरि चैतन्य प्रभु, वो भी आप लोगों से कुछ बात करेंगे। एडवांस जो कोर्स होने वाला है उसके संबंध में जानकारी मिलेगी, आपके सर्टिफिकेट के बारे में भी कल जानकारी मिल जाएगी। और कीर्तन होगा, वहाँ भगवान के दर्शन होंगे मंदिर में, जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, नरसिंहदेव हैं, सबके दर्शन आप कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही अनुरोध है कि कृपया कल 7 से 8 बजे वो प्रोग्राम जरूर अटेंड करें। जूम लिंक पे होगा वो जैसे अभी हम क्लास कर रहे हैं उसी तरह जूम लिंक पे ही वो क्लास होगा, प्रोग्राम होगा, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। तो वो डिटेल्स में आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, लेकिन पहले ये सर्टिफिकेट का फॉर्म जरूर भर दीजिए ताकि एक सर्टिफिकेट आपको बराबर मिल सके। ईमेल एड्रेस किस ईमेल पे चाहिए हो इस फॉर्म में भर सकते हैं। और जो एडवांस कोर्स करना चाहते हैं वो उसमें वहाँ पे वो भी ऑप्शन पूछा गया है कि आप एडवांस कोर्स करने में इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे आप अपना जो भी आपका ऑप्शन है वो आप दे सकते हैं। तो ये तो एक चीज हो गया। और अभी हम जो रिकैप करेंगे कल का थोड़ा सा, कल हमने क्या देखा था, कल हमने चर्चा की थी कि प्रकृति के ऊपर हमने चर्चा की थी और हमने ये देखा था आध्यात्मिक दुनिया किस तरह से और भौतिक दुनिया किस तरह से है और भगवान किस तरह भौतिक संसार में अवतार लेते हैं, 3 गुण का कौन कौन से और 3 गुणों पर नियंत्रण पाना क्या है, किस तरह से पाया जाए। तो कुछ प्रश्न उसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा ताकि उनको ये पता चल सके कि कल के सत्र से आप लोगों ने क्या क्या समझा। तो सबसे पहले हमने देखा कि आध्यात्मिक दुनिया जो है वो किस तरह की है, तो हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि जो इस भौतिक दुनिया में कुछ गुण अवतार होते हैं जो
हर गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीन गुणावतार हमने देखे थे जिनको त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, तो कोई बता सकते हैं कि कौन से वो तीन गुणावतार थे? छह प्रभु त्रिमूर्ति जी बोलिए माता। रजस हाँ ये तो गुण है माता जी, लेकिन जो इनको कंट्रोल करने वाले जो गुण अवतार हैं, जो त्रिमूर्ति भी बोलते हैं हम जिन्हें, वो कौन कौन से अवतार हैं? मैं बोलूंगी जी, ब्रह्मा शिव और ये विष्णु। जी, तो तीन गुण अवतार जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश शिव जी, ये तीन इन गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये भी देखा था कि किस तरह से हमारे भौतिक जगत में कौन कौन से लेवल के ग्रह हैं। तो हमने देखा था कि 14 लेवल पे अलग अलग ग्रह हैं। पृथ्वी लगभग बीच के हिस्से में आती है, और उसके नीचे नारकीय लोक हैं, और ऊपर में जो स्वर्ग लोक हैं, ब्रह्म लोक है, तप लोक, जन लोक, ऐसे अलग अलग लोक हैं। तो ऐसे टोटल 14 प्रकार के लेवल के ग्रह हैं इस भौतिक जगत में। और हमने देखा कि भगवान भौतिक संसार में अवतार लेके आते हैं। हम भी भगवान के एक अंश हैं, लेकिन हम इस दुनिया में अवतार लेके नहीं आते भौतिक जगत में, हम पतन होता है, हमारा पतन होता है यहाँ पे। तो जब माता जी ने आंसर दिया है ब्रह्मा विष्णु महेश जी, माता जी सही। और अब आप लोग बोलेंगे कि एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जब जो जीव है वो भी सच्चिदानंद है, वो भी अपने ओरिजिनल स्वरूप में भगवान के समान सच्चिदानंद है, भगवान का एक अंश मात्र है, फिर भी वो सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, तो जब सब कुछ वहां पे है आध्यात्मिक जगत में, तो ये आत्मा का पतन क्यों होता है? आत्मा इस दुनिया में क्यों आती है? ऐसा प्रश्न उठ सकता है। तो कोई आप में से इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं? क्यों ऐसा होता है, क्यों आत्मा का पतन होता है और आत्मा नीचे आती है? प्रभु जी, क्योंकि वो संसार के चक्रों में बंधी हुई है। नहीं, लेकिन जब आध्यात्मिक जगत में रहती है तब वो इस चक्र से मुक्त है ना, तब उसका पतन यहाँ पे क्यों होता है? वहां पे तो प्रकृति के गुण नहीं है। पूरी तरह अध्यात्म में नहीं है तो जब प्रभु, या माया के वजह से, माया के वजह से त्रिगुण। माता जी, जब माया इस धरती यहाँ पे महा माया का जो प्रभाव है वो इस भौतिक दुनिया में है, आध्यात्मिक दुनिया में से पतन क्यों होता है? तो मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन। हाँ, जी प्रभु जी, मैंने सुना है, मैं इतना आपको रिवर्स रिपीट करूंगा कि जैसे आपने कि भगवान और जीव में दोनों का स्वरूप सेम है, सच्चित आनंद। भगवान को विभु कहते हैं और जीवात्मा जो है अणु है, एक जी छोटा सा अणु। हर जीव को एक छोटी सी इंडिपेंडेंस है, मतलब वो स्वतंत्रता है कि क्या करना है उसको, उसको सेवा करनी है या फिर किसी से सेवा लेनी है, मतलब कि उसको भगवान बनना है। तो वहाँ पे ये थोड़ा, जब जी अपने आप को सोचता है कि मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ, या फिर मैं उसकी इच्छा होगी कि मेरी कोई सेवा करे, और क्योंकि मैं गॉड हूँ या मैं गॉड बनना चाहता हूँ, तो तभी आत्मा का पतन होता है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सिर्फ सेवा होती है और उसके अलावा कुछ नहीं। पर जब पर ऐसी कोई जीव उसकी ये इच्छा होती है, तो फिर उसको इस भौतिक जगत में खाना पड़ता है। जी प्रभु जी, पूर्वेश प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही। तो जब आध्यात्मिक जगत में आत्मा भगवान को देखती है, भगवान स्वराट है, भगवान किसी के प्रति उनको उत्तर देने की जरूरत नहीं है कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, किसी के पराधीन नहीं होते हैं भगवान। लेकिन जब आत्मा देखती है कि भगवान के सब सेवा कर रहे हैं, और भगवान किस तरह से सुप्रीम एंजॉयर हैं, वो सब भोग कर रहे हैं, तो उसकी इच्छा होती है कि मैं सेवा करने की बजाय मैं भी स्वतंत्रता से भगवान से अलग होके क्यों ना भोग कर सकूं, मैं भी भगवान की तरह स्वतंत्र हो जाऊं। तो जब ये इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है, तो उसका पतन होता है। और भगवान उन्हें यहाँ क्यों भेजते हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि आध्यात्मिक जगत की तुलना करें मटेरियल वर्ल्ड से, तो मटेरियल वर्ल्ड काफी, मतलब एक
उससे तो कोई तुलना ही नहीं है, तो यहाँ क्यों भेजा जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे घर में भी जब बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जब अपनी माता को खाना बनाते देखते हैं तो कभी कभी आके वो जिद करते हैं कि नहीं मैं खाना बनाऊं, तो माता उनको खाना बनाना नहीं दे सकती क्योंकि वो जल जाएंगे, कुछ हो जाएगा उनको, चाकू से कट सकता है। तो उनको मालूम है कि इससे ये इनके अभी बस की बात नहीं है और इससे इनको हानि हो सकती है। तब क्या करते हैं हम, एक छोटा सा उनको किचन सेट, घर घरूला का सेट ला के दे देते हैं और वो उसमें अपना खेलते रहते हैं। तो इसी तरह ये भौतिक जगत जो है, एक हमको एक भगवान एक एक्सपीरियंस के लिए यहाँ भेज रहे हैं कि तुम खुद एंजॉय करना चाहते हो, अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हो, तो यहाँ पे तुम ये कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, कर नहीं सकते, ट्राई कर सकते हो। और जब तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा कि तुम मेरे बिना कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं रह सकते, जिस दिन तुम्हें रियलाइज हो जाएगा, तुम्हारी मानसिकता दोबारा से शुद्ध हो जाएगी, तब हम इस दुनिया से मुक्त हो जाते हैं। तो यही रीजन है कि आत्मा इस जीवन चक्र में फंसा रहता है। यहाँ पे जब हम आते हैं तो प्रकृति के तीन गुणों के अधीन होके हम कर्म करते जाते हैं। जिस तरह का हमारा गुण रहेगा, जो प्रधान रहेगा हमारा गुण, और गुण किस तरह से हम पे एक्ट करते हैं, या प्रकृति के जो तीन गुण हैं किस तरह से हमारे अंदर उनका प्रभाव पड़ता है, जिस तरह के हम एनवायरमेंट में रहते हैं, जिस तरह का हमारा घर का एनवायरमेंट है, हमारे दोस्त कौन है, हमारे खाने पीने की किस तरह की आदतें हैं, और पूरे संसार का हम पे प्रभाव पड़ता है। तो उस प्रभाव से जिस तरह की हमारी संगत होती है, गुण हम पे भारी होता जाता है। अगर हम हमेशा सत्संग करेंगे तो सत्वगुण का जो हमारे अंदर मात्रा है वो बढ़ेगी। अगर हम हमारे कुछ संगत है, अच्छे लोगों के साथ संगत नहीं है, तो धीरे धीरे हम नीचे के गुणों में जाते जाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो जीवन शैली है उसके हिसाब से गुण हम पे एक्ट करते हैं। तो हमने ये देखा कि किस तरह से जीव का पतन होता है यहाँ पे, और ये संसार एक तरह से आप बोलेंगे कि प्रिजन हाउस के जैसा भी है। जैसे हम कोई भी नया शहर जब बसाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें अलग अलग चीजें बनती हैं और एक जेल भी बनाई जाती है। तो जेल क्यों बनाई जाती है, क्योंकि सरकार को मालूम है कि कुछ लोग तो ऐसे रहेंगे ही जो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे और उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज करेंगे और उनको उनके लिए जेल होती है। लेकिन जेल किस लिए होती है, अगर आप सही रूप में देखें तो जेल इसलिए है कि वो व्यक्ति का सुधार हो वहां पर। अभी तो हमारे ऐसा होता नहीं है जनरली जेल में, यहाँ अगर आजकल की जेल देंगे तो वहां पे जाके आदमी और ज्यादा गिर उनका पतन हो जाता है। लेकिन जो जिस हिसाब से जेल बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि लोगों का वहां सुधार सके। तो इस संसार भी हमारे सुधार के लिए, और दुर्गा देवी इस संसार के जेलर के जैसी है कि वो यहाँ पे देखती है कौन क्या कर रहा है। माया देवी, वो माया का प्रभाव भी उनका ही रहता है, और जो धीरे धीरे व्यक्ति प्योरिफिकेशन करना चाहता है, अपना प्योरिफाइड हो जाता है, तो वो सिर्फ उसी व्यक्ति को यहाँ से जाने देती है, नहीं तो और कोई व्यक्ति यहाँ से इस जीवन चक्र में ही फंसा रहता है, इस भौतिक जगत में ही फंसा रहता है। तो इस तरह से ये तीन गुण है जो हमने देखे थे कल, कौन कौन से, सत्व, रजस और तमोगुण। मोड ऑफ गुडनेस यानी सत्व, रजस यानी मोड ऑफ पैशन, और तमस या तमोगुण यानी मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो इन तीनों गुणों के हमने प्रभाव देखे थे किस किस तरह से होते हैं, किस तरह से समय भी रहता है कि मोड ऑफ गुडनेस के लिए, सत्वगुण के लिए सुबह का समय अच्छा होता है, और जो रजस रहता है उसके लिए जो दिन का समय रहता है, सब पूरी दुनिया अपने कार्यकलापों में लगी रहती है, और इग्नोरेंस के लिए जो रात का वक्त है उस तरह का टाइम सुटेबल रहता है, वो उसको फेवर करता है। और इसलिए हमने देखा है कि जो भी हम कई लोग मेडिटेशन करना है या कुछ पूजा पाठ करना है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग सब जगह सब होता है, मंदिरों में आप सुनेंगे घंटियां बज रही हैं और पूजा पाठ चल रहा है, सुबह सुबह चिड़िया चहचहाती हैं, तो पूरा एनवायरनमेंट रहता है बहुत काम रहता है, बहुत ही शांत रहता है सुबह सुबह का एनवायरनमेंट। तो इस तरह से ये समय भी अलग अलग गुणों को क्या नाम से प्रभावित करता है, गुणों के हिसाब से समय बना हुआ है अलग अलग समय। उसके अलावा हमने देखा था कि हमारी आदतें, बिहेवियर कैसा रहता है, जो सत्वगुण में जिनका प्रधान गुण सत्वगुण है वो काफी शांत स्वभाव के, दया उनके दूसरे लोगों के लिए रहती है, नॉलेज रहता है, और वहीं पे हमने रजोगुणी लोगों को देखा था कि बहुत सारी डिजायर्स रहती है उनके मन में और हमेशा कुछ ना कुछ चीज के पीछे उनका जुनून लगा रहता है। वहीं पे हमने और देखा था कि जो इग्नोरेंट है उन लोगों का किस तरह
का नेचर रहता है बहुत ही वायलेंट नेचर या इम्पल्सिव नेचर रहता है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, अनस्टेबल रहते हैं, बहुत लेजी फील करेंगे, इस तरह का नेचर रहता है जो इग्नोरेंस में ज्यादा रहते हैं। और खाने का भी हमने देखा था किस तरह अलग अलग खाना होता है, जो सत्वगुणी है वो कम मसालेदार सिंपल भोजन फ्रेश भोजन करना चाहते हैं, सब जो रजोगुण में रहते हैं वो जिनको तीखा मसालेदार तेल अधिक तेल वाला इस तरह का भोजन, और जो इग्नोरेंस में रहते हैं वो जनरली वो उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, वो पुराना खाना भी खा लेंगे, 2 दिन पुराना खाना, बहुत प्रिजर्वेटिव फूड खाने की आदत पड़ जाती है जिसको सिर्फ फ्रिज से निकाल के गर्म करके खा लिया जाए, मांस मछली ये सब चीजें उनको बहुत पसंद हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा अलग अलग गुणों का प्रभाव हमारे खाने पीने की तौर तरीके पे भी पड़ता है। तो इन तीनों गुणों पे किस तरह नियंत्रण पाया जाए, तो नियंत्रण पाने के लिए हमने देखा था कि जो ABCD है वो इन गुणों पे नियंत्रण पाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, एसोसिएशन यानी सत्संग, बी बुक्स यानी किताबें धार्मिक ग्रंथ है हमारे जो उनका पठन करना, सी यानी चैंटिंग यानी जप, और डी यानी डाइट यानी हम हमारा जो आहार है प्रसाद भगवान को भोग लगा के खाया जाए वो सबसे उत्तम है। और इसमें चैंटिंग बहुत ही इफेक्टिव रहता है क्योंकि चैंटिंग में हम भगवान को डायरेक्ट बुला रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और जैसा कि हमने पहले क्लास ईश्वर वाली क्लास में देखा था कि भगवान के नाम रूप गुण लीला में कोई अंतर नहीं होता है, तो हम भगवान का जब नाम लेते हैं तो हम भगवान का संग कर रहे हैं, भगवान की जब लीला का स्मरण करते हैं या भगवान के रूप का स्मरण करते हैं तो भी भगवान का संग कर रहे हैं। तो नाम जब लेते हैं और वो नाम हमारे कानों में जाता है तब जो हमारा हृदय है वो प्योरिफाई होता है, भगवान पे हमारा ध्यान और ज्यादा से ज्यादा रहने लगता है। तो ये सब चीजें हमने कल देखी थी। आज का जो बहुत ही टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है, वो है समय। तो समय की वैदिक क्या वैदिक शास्त्रों के हिसाब से किस तरह का समय समझ दी गई है वो हम देखना चाहेंगे आज। तो ये तो सभी मानते हैं कि समय बहुत कीमती होता है। समय अगर आप इस भौतिक दृष्टि से भी देखें तो समय बहुत कीमती है। आज किसी के पास टाइम नहीं है क्योंकि इतने सारी चीजें हैं करने के लिए, और समय की कीमत अगर आप देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि मिली सेकेंड से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर हम देखें कि जो एथलीट रहते हैं कभी कभी ओलंपिक्स में फोटो फिनिश में 1 मिली सेकेंड 2 मिली सेकेंड से उनका मेडल चला जाता है, तो कितना कीमत है समय का। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी समय की बहुत कीमत है, और कभी कभी किसी के फेल हो जाता है कोई, तब हम देख सकते हैं कि कितना तकलीफ होता है क्योंकि 1 साल जिंदगी का उनको दोबारा से वही क्लास में पढ़ना पड़ेगा, तो उनके लिए साल की कीमत कितनी होती है, दुख होता है बहुत। तो ये तो मटेरियल दृष्टि से हम देख रहे हैं कि लेकिन हम जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तब हमको और ज्यादा पता चलता है। और इसकी कीमत क्यों है, क्योंकि हम लोगों का सबका समय यहाँ पे एक निर्धारित समय के लिए आए हैं, बहुत लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है। किसी व्यक्ति की आयु 50 साल 60 साल 70 साल इस तरह की आयु रहती है, और अब धीरे धीरे कलयुग में आप देखते जाएंगे कि आयु बहुत घटती जा रही है, तो इसीलिए समय और ज्यादा कीमती है। और आध्यात्मिक दृष्टि से इसलिए कीमती है क्योंकि जो हमें मनुष्य देह मिली है ये हमने देखा कि किस तरह से बहुत ही रेयर है, 84 लाख योनियों में से घूमने के बाद हमको ये मनुष्य देह मिलती है, तो बहुत ज्यादा कीमत है इसकी। तो जब हम इस मनुष्य देह मिली है तो हमारा को एक एक पल इसका बहुत कीमती है, और हमको यही चाहिए कि हम उसका प्रॉपर यूज करें। अगर जब हमारे पास धन रहता है तो हम क्या करते हैं, सही जगह उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं, है? हम सब बहुत सारे प्लान अलग अलग देखते हैं कि हाँ कहाँ पे मेरा पैसा लगाऊंगा तो मुझे उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न अच्छा मिलेगा। इसी तरह जो हमारा समय है वो भी समय तो धन से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया की दौलत भी ला लें तो खोया हुआ 1 सेकंड भी वापस नहीं आ सकता है। एक बार जो सेकंड चला गया, एक बार जो समय चला गया वो आप वापस नहीं ला सकते, तो वो धन से भी ज्यादा कीमती है। तो हम जब अपना धन बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहते हैं बहुत सोच समझ के, तो हमें अपना समय भी सही काम में लगाना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमें जो अपना समय है वो भगवान के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने में, उनकी सेवा करने में और अपने आप को शुद्ध करने में
अच्छा समय लगाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य देव ना जाने हमको कब दोबारा मिलेगी, हम कुछ बोल नहीं सकते, और उस टाइम हमारी जो मेंटेलिटी है वो क्या रहेगी। अभी जब हम इस चीज को समझ चुके हैं कि क्या अर्जेंसी है भक्ति करने की, तो हमें अपने समय का बहुत ध्यान से यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो यही इसमें लिखा गया है कि हमें इस निश्चित समय के भीतर अपने जीवन को परिपूर्ण करने की आवश्यकता है। बहुत लिमिटेड टाइम है, इसके अंदर हमको अपने जीवन को परफेक्ट करना है। एक बार खोया हुआ समय वापस नहीं मिल सकता, कुछ भी कर लो आप, जो समय बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। अपनी बुद्धि और समय का समझदारी से उपयोग करना चाहिए हमको, और इसका उपयोग करके हमें अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाना चाहिए। तो शास्त्र क्या बोलते हैं देखेंगे हम। तो भगवद्गीता सॉरी श्रीमद् भागवतम दूसरे कैंटो के तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है, आयुर्हर्ति वे पुंसम उद्यान अष्टम च यानसौ त्रासर्ते यत् क्षणोनित उत्तम श्लोके वर्तया। मीन्स सूर्य अपने उदय और अस्त दोनों से सभी के जीवन की अवधि को कम करता है, सिवाय उस व्यक्ति के जो सर्वोत्तम भगवान के विषयों पर चर्चा करके समय का उपयोग करता है। तो हम देखते हैं कि जिससे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, उसके साथ साथ हमारे जो लाइफ का ड्यूरेशन है वो भी कम होता जा रहा है, हर सेकंड के साथ एक्चुअली कम होता जा रहा है, हर सेकंड के साथ हम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने इस समय का उपयोग सर्वोत्तम भगवान के विषय पर चर्चा करके समय का उपयोग करता है, तो फिर उसके लिए फिर उसका दूसरा जीवन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो मुक्त हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया कि सभी के जीवन की अवधि तो कम हो रही है, उसके बाद उनको दूसरा जन्म मिलेगा, क्योंकि वो अपना टाइम का यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के विषयों में चर्चा कर रहा है वो समय का सही उपयोग कर रहा है। तो इंग्लिश में कहावत है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी जो समय और ज्वार आता है समुद्र में किसी के लिए इंतजार नहीं करता, जब उसका टाइम हुआ समुद्र में कोई भी रहे तो भी वो ज्वार तो आएगा ही। इसी तरह समय भी है, कभी किसी के लिए नहीं रुकता, बहुत तेजी से चलता है। और समय का यदि हमने आध्यात्मिक मूल्यों के लिए उचित रूप से उपयोग नहीं किया तो सूर्योदय और सूर्यास्त द्वारा इंगित समय द्वारा उनमें व्यर्थी व्यर्थ हमारा समय भी व्यर्थ जा रहा है, सिर्फ दिन बीतते जा रहे हैं लेकिन हमारा समय पूरे तरह बर्बाद हो रहा है अगर हमने आध्यात्मिक चीजों के लिए अपने समय का यूज नहीं किया। तो हमारी आध्यात्मिक पहचान और हमारे जीवन खुशी के स्रोत का एहसास कराने के लिए मानव जीवन एक जीव को प्रदान किया जाता है। तो ये जो जीवन है हमें इसीलिए मिला है कि हम अपने आप को पहचान सकें, भगवान से हमारा जो संबंध है उसको स्थापित कर सकें, पहचान सकें और भगवत धाम को जा सकें। ओके, शायद से आवाज नहीं आ रही होगी आप लोगों को क्लियर, मैं हेडफोन नहीं लगाया आज, एक मिनट सॉरी। मुझे अच्छे से चैट में टाइप करिए अगर आपको आवाज आ रहा है सही से तो। जी ओके, हरे कृष्णा। तो और जो शुद्ध भक्त हैं उनकी संगति में एक क्षण भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमने अभी देखा था कर्म के दिन हमने जब सत्र किया था, तो उस दिन किस तरह वाल्मीकि ऋषि के पास जब नारद मुनि आए तो उनका पूरा जीवन ही बदल गया। पहले वो एक डाकू हुआ करते थे, एक शिकारी हुआ करते थे जो डेली अपने पाप कर्मों को बढ़ा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका संगति हुई शुद्ध भक्त के साथ, नारद मुनि के साथ, तो उनका पूरा जीवन ही बदल गया। और फिर आगे उन्होंने राम भगवान का नाम लेते लेते वो शुद्ध हो गए और उन्होंने वाल्मीकि बने और उसके बाद उन्होंने रामायण की रचना की। तो आज भी उनका नाम, जब भी रामायण का नाम आता है वाल्मीकि का नाम जरूर आता है। तो इसी तरह शुद्ध भक्तों की संगति में एक क्षण भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितना भक्तों के साथ आप संग कर सकें तो उससे जो हमारे जीवन में चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, उससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, नारद मुनि ने कितने लोगों का जीवन सफल किया, जैसे ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज भी जब जंगल जा रहे थे
विष्णु भगवान से एक बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने जाना चाहते थे, क्योंकि उनके जो सौतेली माता थी वो उनको उनके पिता की गोद में नहीं बैठने देती थी, लेकिन वो एक मटेरियल चीज के लिए जा रहे थे, एक राज्य प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उनका उनका नारद मुनि से मिलना हुआ, तो नारद मुनि ने उनको जो शिक्षा दी उससे उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। और प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल आता है, मृगारी का एग्जाम्पल आता है, ये सब नारद मुनि की संगति से शुद्ध भक्त बने। तो समय का भ्रम बनाम अनुकूल समय का सर्वोत्तम उपयोग, तो अनुकूल समय क्या है, क्या सुटेबल टाइम है जिस समय हमको ये सब चीजें कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो देखेंगे हम ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। जैसे हमको हमेशा बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान का करना चाहिए, जो भी पूजा पाठ है ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। More and more people are practicing meditation. The purposes can be different, as well as the methods used, but the benefits are very great. However, do you know that there is a proper time to meditate? Yes, according to the Vedas, there is a specific time of the day in which any kind of meditation awards much greater results. This is the time when transcendentalists during the centuries were doing their spiritual practices with renewed efforts and with greater results. Do you want to know the secret? There is a period of the day called Brahma Muhurta. According to the Vedic system, the day is divided into 30 periods called Muhurtas. Each Muhurta consists of a period of 48 minutes. Some of the Muhurtas are auspicious and others inauspicious. The Muhurta starting from 8 hours before sunrise, around 10 p.m. for example, is the Yama Muhurta. It is connected with death and is thus considered very inauspicious. On the other hand, the Muhurta starting 1 hour and 36 minutes before sunrise is very auspicious. This is the Brahma Muhurta, or the Muhurta of the universe. This is the time when human beings can connect with the superior levels of consciousness or even go beyond, connecting directly with the spiritual plane. To calculate the exact time of the Brahma Muhurta in your place, you need to first get the time of the sunrise. Any good meteorological app will provide this information. If the sun rises at 6:30 a.m., for example, the Brahma Muhurta will start at 4:54 a.m. and go up to 5:42 a.m. The time of the sunrise changes during the year according to the seasons, therefore you need to check it periodically to calculate the updated time. The next Muhurta after the Brahma Muhurta is called Samudra, or the Muhurta of the ocean. This is also an auspicious Muhurta which favors introspection. It is thus also favorable for meditation, studies of the scriptures or any other spiritual practice. Combining these two Muhurtas, we have thus a continuous period of 1 hour 36 minutes before sunrise that is very beneficial for any kind of spiritual practice. This is the time we can connect with the universe and with the transcendental plane beyond it. If you are practicing Krishna consciousness, it's very important to use this time to chant your rounds of the Hare Krishna Maha Mantra in your japa beads before starting other activities of your day. By doing so, you will notice that not only you will be much happier and spiritualized during the day, but also that your day will flow much better. In the Bhagavad Gita, Krishna mentions, Yanisa sarvabhutanam tasyam jagarti samyami yasyam jagrati bhutani sanisa pasyacho munehi. What is night for all beings is the time of awakening for the self-controlled. And the time of awakening for all beings is the night of the introspective sage. Apart from the figurative sense, this verse also applies to the literal sense. Most people prefer to sleep late and wake up after sunrise. The period after sunrise encompasses the Rudra and Ahi Muhurtas, which are very inauspicious. When one wakes up during this time, the influence will affect all his day.
Most people nowadays are stressed up and unhappy, and the time they wake up has a lot to do with it. Serious transcendentalists, on the other hand, go to sleep earlier and wake up earlier, in time to enjoy the auspicious influence of the Brahma Muhurta and the Samudra Muhurta. The auspicious influence of the period influence them in a positive way, allowing them to be happy, peaceful, and spiritually connected during that whole day. या सॉरी, तो इसमें वीडियो में जिस तरह से आपने देखा कि बताया गया कि ब्रह्म मुहूर्त का किस तरह से बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे जो पूरा 24 घंटे का समय है उसको अलग अलग 48 मिनट के अलग अलग 30 मुहूर्तों में बांटा गया है, और जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है और इसके बाद जो समुद्र मुहूर्त आता है वो बहुत ऑस्पिशियस रहता है ध्यान करने के लिए, भगवान का जप करने के लिए। इसीलिए हमको, अगर हमें हो सके तो सुबह इस समय उठना बहुत अच्छा रहता है। और आपने देखा कि जो व्यक्ति बाद में बहुत सनराइज के बाद में बहुत लेट उठते हैं उनको बहुत आलस फील होता है, या बहुत मेंटल लेवल पे उतना इजी नहीं रहता है, बहुत अजीब सा फीलिंग आता है सुबह सुबह अगर आप देर से उठे तो। और क्योंकि वो जो मुहूर्त होते हैं उसके बाद के वो थोड़े इनऑस्पिशियस मुहूर्त रहते हैं, उस समय उठना आपको उदासी फील होगी, तरह तरह के नेगेटिव फीलिंग्स आएंगे। लेकिन सुबह जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जो भी कार्य करते हैं वो स्पेशली आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक श्लोक बताया था, वो श्लोक ये था कि जो भी समय भौतिक लोगों के लिए सोने का समय है, वो समय जो साधु लोग हैं उनके उठने का समय, जैसे हम देखेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त के समय वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जो भी जप करते हैं, ध्यान करते हैं, और जब उन साधुओं के सोने का समय होता है तब भौतिक लोगों का जगने का समय होता है। जैसे रात का समय देखें, जल्दी वो सोते नहीं है, रात का टाइम उनकी दिन शुरू होता है। तो इस तरह से जो हम ये पूरे नेचुरल चीजों को बदलते जा रहे हैं, अलग शैली में हमने अपने जीवन को ढाल लिया, उससे काफी बुरे इफेक्ट पड़ते जा रहे हैं हमारे ऊपर। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि जब मृत्यु के वक्त या तो भगवान कृष्ण हमें वापस घर ले जाने आते हैं, या मृत्यु के समय पर वे काल के रूप में आते हैं। तो जिस तरह की हमारी एक्टिविटीज रही हैं तो उस हिसाब से या तो भगवान हमको खुद लेने आएंगे, या उनके जो पार्षद हैं विष्णु दूत वो हमको लेने आते हैं। अगर हमने अपने को शुद्ध कर लिया है तब तो ये होगा, नहीं तो मृत्यु के रूप में भगवान आते हैं। मृत्यु काल ये भी भगवान का ही रूप है, तो काल के रूप में जब वो आएंगे तब यमराज आएंगे, और क्या होगा कि हम उनको देखते ही हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा एक अगला जन्म फिर से निश्चित है, हम इसी भौतिक जगत में फिर से अटक गए हैं। तो इसलिए हमको ये चाहिए कि हम जो पास जो समय है उसका सदुपयोग करें, और ये कोशिश रहनी चाहिए कि इसी जन्म में हम अपना प्योरिफिकेशन कर लें, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह मनुष्य के जन्म में समय बहुत लिमिटेड है और मनुष्य का जन्म ही बहुत ही दुर्लभ है। तो कई लोग ये बोल सकते हैं कि प्रभु जी अभी तो हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, है संपन्न है, अभी ये सब करने की क्या जरूरत है, जरूरत ही नहीं है। तो अभी हम संपन्न अभी हो सकते हैं, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तब क्या होता है कि जो सारी चीजें हैं वो सब हमसे छिन जाने वाली, भौतिक वस्तुएं सारी छिन जाती है ना। आपने देखा होगा कोई कितना भी अमीर व्यक्ति हो लेकिन अपने साथ वो कुछ नहीं ले जा सकता, उसकी सारी चीज अब क्या होगा, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके परिवारजनों को मिल जाएंगी, अगर उसका कोई नहीं है तो गवर्नमेंट ले लेगी, लेकिन अपने साथ वो कुछ भी नहीं ले जा सकता। तो भगवद्गीता में भगवान यही बोलते हैं, मृत्यु सर्वसरम चाहम, यानी मृत्यु सब कुछ हर लेती है। भौतिक चीजें का जो भी हमने अकाउंट बैलेंस बनाया, बैंक बैलेंस बनाया, वो सब यहीं के यहीं रह जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जब हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो अगर हमने भक्ति में थोड़ा भी प्रगति किया है तो भगवान बोलते हैं भगवद्गीता में ही, नेहा भिक्रमा नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प
अपम स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भी प्रगति करी है तो उसका कोई भी लॉस नहीं होगा। आध्यात्मिक जो प्रगति करी है वो आध्यात्मिक प्रगति आध्यात्मिक अकाउंट में रहेगा, उसका क्रेडिट बना रहेगा अगली लाइफ में भी, और वो उससे आगे से शुरू करेगा जब उसको जो, और कम से कम उसको मनुष्य जन्म तो मिलेगा। जब हम भौतिक कार्य करते हैं तो हमें गारंटी नहीं हम हमारी चेतना के हिसाब से हम किस जीवन में जाएंगे, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो अगला जन्म हमको अगर यहाँ पे रुकना भी पड़ा भौतिक जगत में, हमारी भक्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाई, तो अगला जन्म में हमें मनुष्य जन्म मिलेगा और किसी ऐसी जगह जन्म मिलेगा जहाँ पे भक्ति के लिए जो अनुकूल होगा, या तो बहुत ही अच्छी ऐसी फैमिली मिलेगी जहाँ पे हम भक्ति कर सकते हैं, भक्तों की फैमिली मिलेगी, या तो बहुत संपन्न फैमिली मिलेगी जहाँ हमें जीवन यापन के लिए ही ना सोचना पड़े, केवल हमारे पास समय रहेगा कि हम भक्ति कर सकते हैं। लेकिन उस लाइफ में जाके हम किस तरह से चूज करते हैं, हो सकता है कि हमें जब ये सब चीज मिल जाए, बहुत संपन्न हो जाए, और हम वहां जाके हमने भक्ति नहीं किया, वो हमारी चॉइस रहेगी, लेकिन हमारे को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी नेक्स्ट लाइफ में। तो इसके लिए हमको आध्यात्मिक कार्यों के लिए हमेशा सोच प्रयास करते रहना चाहिए किस तरह हम ज्यादा से ज्यादा भगवान से जुड़े रह सकें, ताकि अगली लाइफ में भी हमको, अगर इस जीवन में पूर्ण नहीं कर पाए तो भी अगली लाइफ में हमको दोबारा से मौका मिले, और जो नेक्स्ट जन्म होगा वो हमें मनुष्य जन्म मिलेगा। नहीं तो अगर हम भौतिक कार्य में रहेंगे तो नेक्स्ट जन्म हम कौन सा जन्म मिलेगा वो हमको कुछ मालूम नहीं, हमारी चेतना के हिसाब से जो आखिरी में मृत्यु के समय हमारी चेतना रहेगी उस हिसाब से हमको अगला जीवन मिलेगा। वो सांप का भी हो सकता है, कुत्ते का भी हो सकता है, कि किसी एक छोटे कीड़े का भी हो सकता है, हमको कुछ पता नहीं। और फिर वापस 84 लाख योनियों का सफर हो जाएगा। वही लिखा है कि हमारे पास अपने जीवन चुनने की हमारी स्वतंत्र इच्छा है और समय इसका उत्तर देगा। तो हमें अपना अगला जीवन क्या चाहिए, हमें आध्यात्मिक जीवन चाहिए या फिर हमें इसी भौतिक जगत में रहना है, इसकी स्वतंत्रता हमारे पास है। हम तय कर सकते हैं कि हमें भगवान की भक्ति में अपना समय बिताना है कि भौतिक कार्यों में बिताना है। अगर हम समय इसका उत्तर देगा, क्योंकि जब हमारी मृत्यु होगी उस समय हमारी चेतना क्या होगी, जब हम हमेशा भौतिक कार्य करते रहेंगे तो मृत्यु के समय भगवान को याद नहीं कर सकेंगे। जैसे हमने देखा था कि कई लोग सोचेंगे कि अजामिल ने तो मृत्यु के समय नारायण का नाम लिया था, जैसे हमने कथा कही थी, तो हम भी ले लेंगे आखिरी क्षण में, लेकिन आखिरी क्षण में हमारी चेतना वो रहेगी, क्योंकि हमने पूरी लाइफ में भौतिक कार्य किए हैं, आखिरी में जाके हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं जब हम आज समय रहने पे याद नहीं कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन अगर हम आज याद नहीं कर पा रहे हैं तो मृत्यु के समय कितनी तकलीफ होती है, कितना मानसिक स्थिति कैसी रहती है, क्योंकि हमारा शरीर छूटने वाला है उस समय। इतनी पीड़ा में हमें सिर्फ वही चीज याद आएगी जिससे हम सबसे ज्यादा अटैच है, हमारी फैमिली, रुपया, पैसा, जिस भी चीज रहेगी। लेकिन हम जब आध्यात्मिक कुछ रोज हमारी जो गतिविधियां हम करते रहेंगे, जप कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो हमारा भगवान में ध्यान लगा रहता है। अगर हम ये डेली सही तरीके से कर रहे हैं तो अंत समय में हम भगवान को याद कर पाएंगे और तब हम भगवान के पास वापस जा पाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? कुछ प्रश्न है अभी तक, फिर हम आगे जाएं, नहीं तो किसी को प्रश्न पूछना है तो। प्रभु जी प्रश्न हमने लिख के रखे हैं, आखिर में पूछे जी। जी माता जी, आखिर में पूछ सकते हैं। तो हाँ ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो मानव शरीर में समय सीमित है, यह भी हमको समझ में आ गया कि किस तरह से एक लाइफ ड्यूरेशन है। और अगर हम देखेंगे कि पहले के युगों में बहुत लोगों का लाइफ ड्यूरेशन ज्यादा रहता था, लोगों का इवन हम देखेंगे कि उनका जो कद काठी रहती थी वो भी ज्यादा रहती थी। अभी ज्यादा पीछे ना जाएं हम, अगर हम 400-500 साल पीछे जाएं तो महाराणा प्रताप के म्यूजियम में जो उनके भाले, उनकी तलवार रखी है, तो वो आम आदमी उसको उठा के नहीं सकता है। 18 किलो का भाला था कहते हैं उनका, तो इतना भारी भाला और इतनी तलवार और कवच लेके किस तरह लड़ते थे, इतना शक्ति होता था, इतने ऊंचे पूरे रहते थे लोग। लेकिन धीरे धीरे ये शक्ति घटती जा रही है हमारी, और हमारे जो जीवन अवधि है वो भी घटती जा रही है। तो अभी हमारे को बहुत लिमिटेड टाइम है। तो आप देखेंगे कि जब एक बचपन में आदमी सोचता है कि जब बच्चा रहता है कि आई एम टू यंग टू रीड भगवद गीता, अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी ये सब चीजें क्या करूंगा। पर जब बड़ा हो जाता है तो उसको लगता है कि अब तो मैं सेल्फ सफिशिएंट बन गया, खुद पे निर्भर हो गया, मुझे भगवद गीता पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं कमा रहा हूँ,
मैं अपने कर्म फल भोग रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही मैं भोग रहा हूँ, मतलब मैं अगर सब मेहनत कर रहा हूँ तो उसका फल मुझे आ रहा है, तो भगवान इसमें कहाँ से आएगा, और मुझे भगवत गीता पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे जाके वो ये सोचता है, जब उसको किसी से प्रेम हो जाता है तो वो ये सोचता है कि अभी मैं क्यों भगवत गीता पढ़ूं, अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। फिर उसका जब जॉब में लग जाता है तब वो बहुत बिजी हो जाता है, और काम धाम में वो बोलता है टू बिजी टू रीड भगवत गीता, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। और घर आने के बाद वो सोचता है कि अभी तो मैं बहुत थक गया हूँ, अभी भगवत गीता कैसे पढ़ूं, और आखिरी में पता चलता है कि आई एम टू लेट टू रीड भगवत गीता, मृत्यु का समय आ जाता है। तो ये जो एक मेंटेलिटी है, जब हम भी किसी से मिलते हैं तो वो यही बोलते हैं कि अरे आप ये किस चक्कर में पड़े हुए हो भाई, आप अभी तो जवान हो, ये सब काम करने की क्या जरूरत है, आप 16-16 जप करते हो, ये इतना टाइम भगवत गीता में पढ़ते हो। हमारे घर में जो बुक्स रखी हैं उनको देख के बोलते हैं अब इतनी बुक पढ़ने का टाइम कैसे वेस्ट हो जा रहा है, आप क्यों इन सब चीजों में पढ़े, तो बुढ़ापे का काम है, जब बुढ़ापे में आपसे करना भक्ति करना है। तो जनरली लोगों का ऐसा टेंडेंसी रहता है कि भक्ति करना यानी बुढ़ापे का काम है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि कलयुग में तो कई लोग बुढ़ापे तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, उसके पहले ही मृत्यु हो जा रही है, हार्ट अटैक आ जा रहा है। 40 साल से कम लोगों को आजकल हार्ट अटैक हो जा रहा है, कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हो जा रहा है। तो कुछ भी जीवन का भरोसा नहीं है, हमारे पास सीमित समय है, जो भी हमारे पास समय है उसको हमको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके, भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, भगवान अवतार लेके आते हैं, उन्होंने शिक्षा दी अवतार लेके, आचार्यों को भेजा, उसके बाद ग्रंथ भी दिए, हमारा काम सिर्फ उनको समझना है, आचार्यों के पास जाके उन ग्रंथों को समझना है, लेकिन हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब भगवान और क्या करेंगे। अंदर से हमको प्रेरणा भी देते हैं तो भी हम उनकी आवाज नहीं सुनते। जैसे आप दूसरी चित्र में देखें तो एक माता जी के बारे में बताया गया, जब वो छोटी थी तो वो भी यही बोल रही है, जब प्रभु जी उनको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके भगवत गीता पढ़िए, तो जब वो छोटी है तो क्या बोल रही है कि अभी तो मैं एबीसीडी पढ़ना शुरू किया, अभी मैं क्यों पढ़ूं, छोटी हूँ। फिर एग्जाम है, थोड़ी बड़ी हो गई तो फिर वो बोल रहे हैं कि अभी तो मैं प्रेम में हूँ, अभी मैं ये सब चक्कर में, मेरी शादी हो जाने दीजिए फिर पढ़ूंगी। शादी हो जाने के बाद बोल रही है कि अभी तो मुझे बेबी होने वाला है, फैमिली अभी प्लान कर रही हूँ, तो अभी तो मैं नहीं पढ़ सकती, बाद में पढ़ूंगी। उसके बाद वो वृद्ध हो जा रही है तो बोल रही है कि अभी मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो मेरे शरीर में जगह जगह इतने प्रॉब्लम्स हो गए हैं कि अभी मुझे कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बन पा रहा है पढ़ने का। और आखिरी में क्या हो रहा है कि जब मृत्यु आ रही है तो वो बोल रही है कि अब तो मैं बहुत लेट हो गई, मैंने समय पर एक्ट नहीं किया कि मुझे अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पहचानने का, अध्यात्म को समझने का मैंने वेस्ट कर दिया ह्यूमन बर्थ। अभी जो मृत्यु खड़ी है वहां क्या बोल रहे हैं कि इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सेप्ट अनदर बॉडी, अब आपको दूसरा शरीर मिलने वाला है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा दूसरा शरीर मनुष्य का ही मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से धीरे धीरे हम अपने जीवन के हर पड़ाव पे क्या बोलते हैं उसको, टालते जा रहे हैं इसको, भक्ति को। तो ये टालना जो है ये बहुत हमको कॉस्टली पड़ने वाला लाइफ के आखिरी में, तो इसलिए हमको अर्जेंसी है कि हमको भक्ति करना शुरू करना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, भगवान को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनसे जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो समय की वैदिक अवधारणा यानी समय की वैदिक समझ हम थोड़ा देख लेंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि चार युग हैं, चार अलग अलग युग हैं, मतलब जो एज बोलते हैं हम जिसको, एक पूरा बहुत समय का बहुत बड़ा एक चक्र है जो। तो सबसे पहला जो युग है वह सतयुग। सतयुग में जो धर्म का जो हम देखें वो थोड़ा स्थिति अच्छी रहती है, लोग थोड़े पायस रहते हैं, धर्मात्मा रहते हैं, और धीरे धीरे इनका पतन होता जाता है। जो अगली एज आती है वो है त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग, और द्वापर युग के बाद कलयुग। तो ये चार चतुर्युग तो आप सभी को पता है, इस तरह से चार युग होते हैं, लेकिन ये चार युग में हम इनकी अवधि देखेंगे कि कलयुग में अभी हमको 5000 साल बीत चुके हैं। तो महाभारत के युद्ध के बाद जब राजा परीक्षित थे उस समय कलयुग का आगमन हुआ था, जो अर्जुन के पौत्र थे परीक्षित महाराज उनके काल में कलयुग का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद अभी लगभग 5000 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो कलयुग की जो अवधि शास्त्रों के हिसाब से बताई गई है वो है 432,000 साल करीबन लगभग।
तो 4,32,000 साल का कलयुग है, और इसमें अभी 5,000 साल में ही आप देख रहे हैं कि कितना बुरा स्थिति हो गया है। तो आगे कलयुग में क्या क्या होने वाला है वो तो भागवतम में प्रिडिक्शन लिखे हैं, आगे आगे क्या क्या होने वाला है। और अभी कुछ कुछ प्रिडिक्शन अभी तक के प्रिडिक्शन तो सही है। तो 12वें अध्याय में इन सब चीजों के बारे में बताया गया कि किस तरह कलयुग में लोग का व्यवहार होगा। उसके बाद कलयुग के पहले जो द्वापर युग है उसकी अवधि बताई गई है, उससे लगभग डबल 8,64,000 साल की अवधि होती है द्वापर युग की। और इसी तरह त्रेता युग का उससे डबल लगभग 12,96,000 साल। और उसके बाद में जो सतयुग सबसे ज्यादा बड़ा होता है लगभग 17,28,000 साल। तो ये चारों युगों का एक टाइम ड्यूरेशन बताया गया, और ये चारों युग मिलके एक दिव्य युग बनता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन सबको मिलाया जाए एक साथ तो एक दिव्य युग बनता है। जो ये दिव्य युग है इसकी अवधि इन चारों का टोटल जो है 17 लाख और 12 लाख और 8 लाख और 4 लाख, इन सब का टोटल मिला के दिव्य युग बनता है, जिसका ड्यूरेशन लगभग 43,20,000 साल कुछ इसका ड्यूरेशन आता है। और ये जो है इसके बाद मनु आते हैं, मनवंतर, यानी जब मनु चेंज होते हैं, आपको जैसे मालूम होगा अलग अलग मनुज रहते हैं, जैसे अभी हमारे आपने कहानी सुनी होगी जब मनु मत्स्य अवतार आते हैं और मनु राजा मनु जो रहते हैं वो सबको जानवरों को बोट में, हर एक जीव जंतु को एक बड़ी सी बोट में, जहाज में सबको बचाते हैं और वेदों को बचाते हैं, तो वो मनु थे। तो हर सृष्टि के टाइम पे मनु होते हैं, और इस तरह से उनका एक मनवंतर रहता है, तो उनका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। तो हमने एक दिव्य युग देखा जो चार युगों को मिला के है, और इसी तरह जो मनवंतर है वो 71 दिव्य युग को मिला के एक मनवंतर होता है, यानी मनु के चेंज होने का ड्यूरेशन है वो 71 दिव्य युग है। और इसका जो टाइम लिमिट है वो तो बहुत ही ज्यादा है, 306.72 मिलियन ईयर्स, मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम, हम उसका समझ भी नहीं सकते कितना बड़ा टाइम है। और जब इस तरह के जब 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु जब चेंज हो जाते हैं, तब वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी की आयु आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा है। तो जब एक कल्प, पहले हमने देखा चतुर्युग, चतुर्युग के बाद हमने देखा दिव्य युग जो कि चार युगों का एक युग होता है दिव्य युग, उसके ऊपर हमने देखा मनवंतर जो 71 दिव्य युग का मिला के मनवंतर होता है, उसके अलावा हमने देखा उसके ऊपर कल्प है, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन, वो 14 मनवंतर, 14 मनु चेंज हो जाते हैं। तो उसके बाद जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी का एक दिन है, तो ब्रह्मा जी का पूरा लाइफ का स्पैन जो सबसे ऊपर दिया है वो लगभग 311 ट्रिलियन ईयर है, यानी आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मा जी तो इतना लंबा ड्यूरेशन जीते हैं, लेकिन उनको भी आखिरी में इस 100 साल की आयु हो जाती है इस स्केल के हिसाब से, तब ब्रह्मा जी चेंज होते हैं, दूसरे ब्रह्मा आते हैं। तो ये समय का ये वैदिक अवधारणा है, इसको हम आपका चैट पे भी शेयर कर देंगे ताकि आप और डिटेल से देख सके, थोड़ा जल्दी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको। तो ये चक्र चलता ही रहता है, ब्रह्मा जी की भी लाइफ खत्म होती है, फिर दूसरे ब्रह्मा आते हैं, और ये मनुष्य चेंज होते रहते हैं, इंद्र चेंज होते रहते हैं, इस तरह से ये चक्र चलता रहता है हमेशा। तो समय हर चीज को क्षय करता है, यानी हर चीज को धीरे धीरे डिटेरियट करता है, आपने देखा होगा हर चीज समय के साथ साथ धीरे धीरे उसका पतन होता जाता है। जैसे आपने पत्तियों का एग्जांपल दिया, पत्ती पेड़ से गिरती है और धीरे धीरे हरी पत्ती से धीरे धीरे वो ब्राउन चेंज होके खत्म हो जाती है, सूख जाती है। उसी तरह मनुष्य को भी आप देखें तो काल चक्र के हिसाब से धीरे धीरे उसका शरीर बढ़ेगा, उसके बाद वो वृद्ध होगा और आखिरी में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इस भौतिक जगत में हर चीज इसी तरह की है, बड़े से बड़े ग्रह भी उनका एक साइकिल रहता है, उसके बाद उनका भी नष्ट हो जाते हैं वो। तो समय का प्रभाव जो है वो अस्थायीता का कारण बनता है, यानी कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती।
जो बोला जाता है कि ओनली चेंज ओनली थिंग परमानेंट हेयर इज चेंज, भौतिक जगत में एक ही चीज परमानेंट है कि चेंज, यानी हर चीज चेंज होती रहेगी। तो जब हम अस्थाई चीजों को स्थाई बनाने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को पीड़ित करते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति यहाँ पे दुखी रहता है क्योंकि वो इन सब अस्थाई चीजों में परमानेंस ढूंढने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि स्थाई खुशी मिले मुझे यहाँ पे, मुझे जो भी चीज मैं करूँ वो स्थाई रहे, लेकिन कालचक्र के प्रभाव में वो सारी चीजें धीरे धीरे उनका क्षय होता जाता है, वो आखिरी में खत्म हो जाती है, वही चल के हमका आगे दुख का कारण बनता है। अब हम देख समझ सकते हैं कोई राशिफल जो है, जब हम राशिफल जानने की कोशिश करते हैं और कोई बहुत सिद्ध व्यक्ति है जो बिल्कुल सही राशिफल बता भी दें, तो कई बार ऐसा होता है कि आगे अगर हमारे आगे कुछ बुरे इंसिडेंट होने वाले हैं और वो हमको पहले से पता चल जाए तो एकदम हॉरर, हमारे हॉरर स्कोप की जगह वो हॉरर स्कोप बन जाती है, यानी हमको बहुत चिंता होने लगेगी, एंग्जाइटी होने लगेगी इस चीजों को देख के। तो समय जो है हर चीज को धीरे धीरे, जो अभी अच्छा चल रहा है वो जरूरी नहीं है कि कल भी सब कुछ अच्छा ही चलेगा, वो दोबारा से हमारे कर्मों के हिसाब से कुछ हमारे जो पुराने प्रारब्ध है उनके कारण हमारे कुछ हानि भी हो सकती है। अब आगे हम देखेंगे कि यमराज की एक स्टोरी के जरिए समझना चाहेंगे किस तरह से ये काम होता है। तो यमराज जो है जो मृत्यु के समय व्यक्ति को ले जाने आते हैं, तो उनके बारे में एक स्टोरी है कि एक व्यक्ति रहते हैं, उनको बहुत तपस्या करते हैं, ऑस्टेरिटी करते हैं, उनको यमराज से मृत्यु से मुक्ति पानी रहती है। तो जब यमराज आते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे मुक्त कर दो, तो वो मृत्यु से तो बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो नियम है कि जो जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही पड़ेगा, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च, यानी जिसका जन्म हुआ उसको मरना ही है। तो वो बोलते हैं अच्छा आप एक काम करो कि मुझे अभी ये नहीं जानना मैं कब मरूंगा, लेकिन हाँ जब मेरे मरने का थोड़ा टाइम रहेगा ना थोड़ा मेरे को लेटर दे देना, आप मुझे लेटर से इंटीमेट कर देना, तो चार पत्र भेजना मुझे। तो यमराज बोलते हैं ठीक है। धीरे धीरे उस व्यक्ति को टाइम बीतता जाता है और उनके बाल सफेद होने लगते हैं। जब उनके बाल सफेद होने लगते हैं तो भी अभी उनको लगता है कि यमराज जब तक मुझे लेटर नहीं भेजेंगे तब तक तो मेरा जीवन है, खूब आराम से रहता हूँ, जीवन का भोग कर लेता हूँ, वो अपने जीवन में लगे रहते हैं। उनके बाल सफेद हो जाते हैं तो भी उनको कोई टेंशन नहीं रहता है और वो लगे रहते हैं अपने जीवन में। उसके बाद धीरे धीरे उनके दांत भी टूटने लगते हैं और काफी भक्त लोग उनको आके बोलते हैं कि भाई आप वृद्ध होते जा रहे हैं, आप क्यों नहीं आध्यात्म में जाते हैं और आप भगवान के प्रति कुछ कार्य नहीं करते हैं, तो वो कोई ध्यान नहीं देते और वापस अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे उनके आंखों की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है और आखिरी में जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो उनके कमर झुक जाती है और एक दिन उनको स्ट्रोक आ जाता है और स्ट्रोक के बाद वो पैरालाइज हो जाते हैं, लकवा मार जाता है। उस स्थिति में काफी टाइम रहते हैं उस स्थिति में और फिर एक दिन यमराज उनको लेने आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि यमराज आपने मुझे बोला था कि आप मुझे लेटर लिखेंगे और मुझे इंटीमेट करेंगे कि भाई तुम्हारी मृत्यु निकट है, लेकिन आपने कभी भी नहीं किया, इस तरह से आपने मुझे वरदान देके भी आपने मुझसे झूठ बोला। तो यमराज बोलते हैं कि तुमने अपना सारा जीवन, तो आध्यात्मिक जीवन में तुमने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और पूरा जीवन तुम इंद्रिय भोग में लगाए रहे, मेरे दिखाए गए पत्रों को तुम भेजे, मैंने तुम लोग को पत्र भेजे लेकिन तुमने उनको पहचाना नहीं, मैंने तुम्हें चार पत्र भेजे थे लेकिन तुमने सबको नजरअंदाज कर दिया। जब तुम्हारे बाल सफेद हो रहे थे वो मेरा पहला नोटिफिकेशन था, पहला तुमको मेरा पत्र था, जब तुम्हारे दांत टूटने लगे तब मैंने दूसरा पत्र तुमको भेजा था, जब तुम्हारी आंखों की रोशनी फीकी पड़ गई वो तीसरा पत्र था, तुमने उसको भी नहीं समझा, और तब तुमको लकवा मार गया तो मेरा चौथा पत्र था लेकिन तुमने उसको भी नहीं समझा, और उसके बाद भी तुम्हारी इच्छा भोग करने की रही, तो इसी कारण तुम क्योंकि इंद्रिय भोग में लगे रहे इसीलिए तुम मेरे चारों पत्रों को नहीं जान पाए। तो ये चारों पत्र हमको भी आते हैं, तो इनको समझना जरूरी है, ये इंडिकेशंस हैं कि हम धीरे धीरे हमको हमारा भी कोई नहीं बच सकता मृत्यु से, तो सबको मरना ही कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ से कोई जिंदा बच के नहीं जा सकता है, तो मृत्यु आनी है, तो उसको हमको समझना है और उसके हिसाब से हमको कार्य करना है कि मृत्यु के बाद हम दोबारा से इस भौतिक जगत में हमारा जन्म ना हो और हम भगवान के धाम जा सके, उस हिसाब से हमको कार्य करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं
2.12 नात्वे वाहम जातु नासम नात्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि ना मैं रहा हूँ ना तुम ना रहे हो अथवा यह समस्त राजा ना रहे हो, और ऐसा नहीं है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं भी एटर्नल हूँ, मैं भी शाश्वत हूँ और तुम भी शाश्वत हो, और जितने लोग यहाँ पे हैं वो सभी शाश्वत हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे भौतिक जगत में समय के हिसाब से हमें मृत्यु का सामना करना पड़ता है, शरीर की मृत्यु होती है और आत्मा फिर दूसरे शरीर में जाती है। तो सभी महान लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत महान है तो उसको मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो समय का इसलिए सदुपयोग करें, उद्देश्य हमारा यहाँ पे जो है पहचान बनाना नहीं है बल्कि खुद को शुद्ध करना है। तो पहचान बनाइए, लेकिन जो मेन उद्देश्य हमारा जो है कि खुद को शुद्ध करना, वो उससे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। नीचे लिखा गया है कि अमॉन्ग ऑल काइंड्स ऑफ किलर्स टाइम इज द अल्टीमेट बिकॉज टाइम किल्स एवरीथिंग। सब तरह के कातिलों में टाइम जो है वो अल्टीमेट कातिल है, यानी सबसे बड़ा कातिल है, क्योंकि टाइम सब चीज को मारता है, कोई चीज टाइम से नहीं बच सकती है। पूरे के पूरे ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं, जैसे हमने देखा अभी ब्रह्मा की लाइफ का कितना बड़ा टाइम है कि हम उसको पढ़ भी नहीं पाते, कि कितना टाइम उसको समझ नहीं पाते, इतने ट्रिलियन ईयर्स यानी कितना होगा। लेकिन उसके बाद ब्रह्मा को भी चेंज होना है, उनको भी मृत्यु होनी है। तो टाइम किल्स एवरीथिंग, ब्रह्मा सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन वाले जीव है पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन उनको भी यहाँ पे भौतिक जगत में मरना पड़ता है, फिर दूसरे ब्रह्मा आते हैं। तो और किसी चीज की क्या बात करी जाए, जो सब क्रिएट कर रहे हो यूनिवर्स में ब्रह्मा जी, उनको भी मरना पड़ता है। तो इसीलिए हमको टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए और टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। समय सीमित है, यह तो अभी हम अच्छी तरह समझ ही गए इतने सारी चीजें देख के। तो हमें अपना बुद्धि विकसित करनी है, पवित्र बनना है और जीवन को हमारे आनंदमय बना सकते हैं हम। किस तरह से? भगवद गीता का आश्रय लेके, भगवान का आश्रय लेके, और भगवान की सेवा में हम अपने समय का सदुपयोग करें, तो इस तरह से हमारा उद्धार हो सकता है। तो शुद्धिकरण प्रक्रिया जो हमने पहले भी देख चुके हैं, भगवान के नाम का जाप करें, हरि नाम का जाप करें, वेदों में इस तरह का जो जो प्रक्रिया दी है वो यहाँ पे बताई गई है, शास्त्रों का अध्ययन करें। तो जो हमारे शास्त्र हैं भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और जो दूसरे स्क्रिप्चर्स हैं, हम उनको पढ़ें और उसका फायदा उठाएं। उसके अलावा पवित्र नदियों में हमको स्नान करना चाहिए। उसके अलावा तुलसी देवी की पूजा करें। तुलसी देवी की पूजा भी एक बहुत ही शुद्ध करने वाली चीज है। उनको बहुत ही प्रेम से उनकी पूजा अर्चना करें, उनकी परिक्रमा करें। तो तुलसी देवी का एक मंत्र है, यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादि खानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। जब हम प्रदक्षिणा करते हैं तब यह मंत्र बोलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि किसी ने अगर कभी ब्रह्म हत्या भी करी हो और तुलसी की वो बहुत भाव से सेवा कर रहा है, परिक्रमे कर रहा है, तो उसके पाप भी इससे धुल सकते हैं। तो इसलिए तुलसी देवी की रोज आप उसमें उनको पानी दीजिए, उनकी अर्चना कीजिए और उनकी परिक्रमा कीजिए, भाव से करिए। लेकिन और संगति, संगति भी बहुत जरूरी है। जब हम अकेले होते हैं तो ये सारी चीजें करना हमारे लिए कठिन होता है, लेकिन जब आप सही संगति में हैं तो उनको देख के जो हमसे अच्छे से कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, और कि वो कितने अच्छे से भक्ति करते हैं, कितने डेडिकेशन से करते हैं। और ये भी एक इन्फेक्शियस चीज है, जिस तरह से बुरी आदतें हमको बहुत जल्दी लग सकती हैं बुरे लोगों के साथ रह के, उसी तरह हमको अच्छी आदतें भी लग सकती हैं अगर हम उन व्यक्ति के साथ संग करें, अच्छे व्यक्तियों के साथ। तो और आखिरी ये जो प्रसाद है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, सात्विक प्रसाद खाएं, उसी से आपकी शुद्धिकरण होगी। तो ये चीजें हैं जिनसे आप अपने आपको शुद्ध कर सकते हैं। तो अभी हम चैंट करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद हमारा एक छोटा सा एक्टिविटी है जिसमें हम कुछ इंटरएक्टिव सेशन रहेगा, जिसमें हम इन चीजों पर चर्चा कर सकेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे की अनाउंसमेंट करेंगे। तो अभी हम प्रभुपाद के साथ चैंटिंग करेंगे थोड़ा सा, 3-4 मिनट, और उसके बाद आगे का कार्यक्रम कराते हैं। तो हम पहले
पंचतत्व मंत्र बोलता हूं मैं, उसके बाद हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। पंचतत्व मंत्र क्यों बोला जाता है कि जब हम हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं तो हमसे गलतियां हो सकती है, हमारा ध्यान इधर उधर जा सकता है। तो पंचतत्व जो हमारे आचार्य हैं, जो भी हमारी जो पूरी परंपरा आचार्य हैं, उनसे हम एक प्रे कर रहे हैं कि हमारी गलतियों को माफ कीजिए और इस तरह से हमें कोई ऑफेंस नहीं लगेगा उनकी कृपा से। तो पंचतत्व मंत्र बोलूंगा मैं और आप सब से अनुरोध है कि अपनी आंखें बंद करिए और भगवान के जाप सुनिए। जो आप जाप कर रहे हैं उसको सुनना बहुत जरूरी है, एक एक शब्द को सुनिए और भगवान के चरणों में ध्यान लगाइए, भगवान के रूप में ध्यान लगाइए। और ज्यादा नहीं, 3 या 4 मिनट का जप हम करेंगे, उतना देर भगवान पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। सो जप करने से बहुत शुद्धि मिलती है और शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगवान का जो नाम है, नाम उसके वर्षे में कहा गया है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो निक्त मुक्तो अभिन्नात्मम नाम नामिने। यानी जो भगवान का नाम है वो चिंतामणि के जैसा है। चिंतामणि किसको बोला जाता है? आध्यात्मिक जगत में बोला जाता है कि चिंतामणि होता है, एक स्टोन जैसे जो रत्न होता है जिससे आप जो इच्छा करें, आध्यात्मिक इच्छा वो आपकी पूरी हो सकती है। तो उस चिंतामणि स्टोन के जैसा है कि आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला है और उसमें भगवान के नाम में पूर्ण आनंद है और पूर्ण रूप से भगवान का नाम शुद्ध है। तो भगवान का जो नाम है वो हमारे हृदय को और शुद्ध करता है और
अभिन्नात्वम नाम नामिने मीन्स भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है देखा है कि भगवान की नाम रूप गुण लीला में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान पूर्ण है इसलिए उनकी नाम रूप गुण लीला और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जब आप भगवान का नाम लेते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो भगवान के साथ आपका संग होता है। तो डेली कम से कम आप लोग एक माला करें, और हम लोग सुबह 6 से 8 चैंटिंग सेशन भी रखते हैं, मैं ग्रुप में डालूंगा अगर आप लोग थोड़ा देर ज्वाइन करना चाहें, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी हो सके, 6 से 8 के बीच में कभी भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी जप के बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज है वो है कि कुछ एक्टिविटी है जिसमें हम कुछ प्रश्न जो हमने अभी तक पूरे सत्र में देखे हैं उसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप में से कोई पहले प्रश्न का उत्तर दे सकता है कि ईश्वर कौन है? हरे कृष्णा, चैट पे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि ईश्वर कौन है। रवि प्रभु, आर यू एबल टू हियर? ओके ओके, तो ईश्वर कौन है, कोई इसका उत्तर दे सकता है? कोई भी, जो भी आपका उत्तर है दे सकते हैं, यहाँ पे चैट में दें या अनम्यूट करके बोल सके। ईश्वर सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। हाँ, तो जिस तरह हमने देखा कि ईश्वर सच्चिदानंद है और ईश्वर पूरे ब्रह्मांड के कंट्रोलर, मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर है। और भगवान के विषय में आता है ब्रह्म संहिता में कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं कि जो परम ईश्वर है वो कृष्ण है, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद है और उनका कोई आदि नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है, और वो सभी कारणों के कारण है। तो इस तरह से और भी देखने को मिलता है हमको भागवतम में, पहले कैंटो के 3rd अध्याय के 28वें श्लोक में, एतस्याम समकलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। तो वहां बोला गया है कि जो भी अवतारों का बताया गया है वो सभी भगवान के अंश हैं या उनके अंश भाग के भी अंश हैं, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। इस तरह से शास्त्रों में बहुत जगह बताया गया है। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, तो भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर है। और ईश्वर किसको बोला जाता है? जो सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो ईश्वर परम कृष्ण यानी परम ईश्वर कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। जैसे आपने देखा होगा ईश्वर और लोगों को भी बोला जाता है, जैसे शिव जी के लिए भी ईश्वर वर्ड यूज आता है। तो शिव जी इस भौतिक जगत का डायरेक्ट उनके पास नियंत्रण है, लेकिन उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जो परम ईश्वर है। उसके अलावा सेकंड प्रश्न हम देखेंगे, मेरी पहचान क्या है? इसका उत्तर आप कोई दे सकते हैं? हमारी असली पहचान क्या है? हम कौन है? हम ईश्वर का अंश हैं और हम जीवात्मा हैं। ईश्वर परमात्मा है और हम जीवात्मा है। हम अणु हैं और ईश्वर विभू है, यानी हम बहुत कम मात्रा में, एक स्पार्क, छोटा सा, अगर अग्नि में देखे तो एक छोटा सा स्पार्क या ओशन में एक बूंद, और ईश्वर जो है वो पूरा ओशन है। तो इस तरह से ये 2 चीजों में अंतर है। तो हमारी असली पहचान, हम जीवात्मा है, हम ईश्वर का अंश है, और इसके अलावा और एक और पहचान जो बहुत जरूरी है कि हम भगवान के सेवक है, एटर्नल सर्वेंट, एटर्नल सर्वेंट, यानी हम हमेशा सदा सदा के लिए भगवान के सेवक है, वही हमारी सही पोजीशन है। और जब हम मेरी आवाज उसके पास जाती नहीं। हरे कृष्णा माता जी, हाँ आपकी आवाज आ रही है, सॉरी संध्या माता जी ना, हाँ आ रही है आपकी आवाज। तो आपने जो बताया जीवात्मा, बिल्कुल सही बताया, भगवान के हम सेवक हैं और अंश हैं भगवान के, तो ये हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।
और क्या हम सदा सुखी रह सकते हैं? हाँ, उसके लिए भगवान का नाम लेने से सुखी रह सकते हैं। जी, तो जब जी जब भगवान के साथ हम जुड़े रहेंगे तो हमें हमेशा आनंद की अनुभूति होगी, और जब हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप में दोबारा से पहुंच जाएंगे तब हम वापस से फुल हम जो सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है सत चित आनंद, यानी हम हमेशा एटर्नल रह सकते हैं, शाश्वत रह सकते हैं, फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान हमारे अंदर पूरा तरह से प्रभावित रहेगा और हाँ हमेशा आनंद में रह सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो ये हमने कर्म में देखा था, तो इसका कोई आंसर दे सकता है? हाँ, तो हमारे जो पिछले कर्म है, तो हम क्योंकि इस जीवन में नहीं जानते हैं कि हमारे कर्म क्या है, तो हमको लगता है कि हम अभी अच्छे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन ऐसा बुरा क्यों हो रहा है? लेकिन जो हमारे प्रारब्ध कर्म जो पुराने चले आ रहे हैं, क्योंकि आपको एक बार समझनी चाहिए कि इतने सालों इतने युगों से अगर हम इस भौतिक जगत में, यानी हमारे पास कितने कर्म होंगे तभी हम इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल पा रहे, कलयुग तक आ गए, यानी हम हमारा जो लेवल है आप समझ सकते हैं क्या होगा, क्योंकि सतयुग में कई लोग लिबरेट हो गए, उसके बाद द्वापर में भी हो गए, त्रेता में भी हो गए, लेकिन हम अभी तक यहाँ इस जगत में बचे हुए हैं, तो किस तरह से हमारा लेवल होगा? तो यानी हमारे बहुत बहुत ज्यादा कर्मों का हमारे पीछे बोझ है, तो इसलिए कभी ना कभी वो बुरे कर्म हमारे पास आएंगे ही आएंगे। और कई लोगों के जो बुरे लोग रहते हैं उनके भी कुछ पिछले जन्म के अच्छे कर्म है, जो उनको अभी अनुकूल परिस्थिति मिली लेकिन वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अच्छी परिस्थितियों का फायदा उठा के भगवान की भक्ति ना करके वो कुछ और कार्य कर रहे हैं और ज्यादा कर्म जनरेट कर रहे हैं, जिसका आगे उनको और अभी अच्छी परिस्थिति है लेकिन आगे जाके फिर उनको उसका प्रारब्ध जब आएगा तब उनके लिए बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी। और हमने देखा हम अपने आप को किससे शुद्ध कर सकते हैं, अभी 2-3 स्लाइड पीछे हमने देखा था, काफी सारी चीजें बताई गई थी शुद्धिकरण के लिए, आध्यात्मिक हाँ बिल्कुल सही, हम स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं जैसे माता जी ने बोला, और चैंटिंग सॉरी माता हाँ जब कर सकते हैं। हाँ, जी माता जी बोलिए, माता जी गिरजा माता जी एसोसिएशन से और जाप से। ओके हाँ माता जी, निकिता माता जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्रभु जी मैं भी वही बोल रही थी, चैंटिंग एंड रीडिंग स्क्रिप्चर्स। हाँ, तो जो हमारा ABCD है एसोसिएशन हाँ। साधु संघ, बी बुक्स यानी शास्त्र पढ़ना, सी चैंटिंग और डी डाइट। इसके अलावा जो पवित्र नदियां हैं उनमें स्नान करने से, तुलसी की पूजा करने से, उनकी परिक्रमा करने से, पानी देने से, इस तरह से हम अपने जीवन को शुद्ध बना सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, तो मैंने एक क्विज भी तैयार किया, वो गूगल फॉर्म्स में मैं आपको भेजूंगा, तो वो भी आप वो किस केवल आप लोगों के आकलन के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए, उसका कुछ ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट से रिलेशन है, सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा। आप लोग गूगल फॉर्म्स में जो शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप चैट में और अभी भी शेयर किया है, मैं दोबारा से भी शेयर कर देता हूँ गूगल फॉर्म। इस फॉर्म में अपना डिटेल्स डाल दीजिएगा, किस नाम से आपको सर्टिफिकेट चाहिए, कौन से ईमेल एड्रेस पे आने चाहिए, और जो फीडबैक भी आप दे सकते हैं, और किस विषय में आपने, किस लैंग्वेज में आपने अटेंड किया वो जरूर सिलेक्ट कीजिएगा, तो हिंदी में किया है तो हिंदी में, उसके बाद आपको कुछ दिन में आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि मैंने एक गूगल फॉर्म में एक छोटा सा टेस्ट बनाया है सिर्फ आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए, कि आप देख सकें कि मैं जो 6 दिन अटेंड किया तो किस तरह से मुझे क्या क्या चीजें पता चली, उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, तो वो भी मैं शेयर करूंगा। कल तो प्रोग्राम रहेगा, तो कल या परसों में मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप लोग उसको भी टेस्ट दे सकते हैं। और कल जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया उनके लिए बता रहा हूँ कि पूजा माता जी कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रभु जी, दरअसल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भौतिक संसारी जीवन में रहना और ये कथा का, ये जो भी है भगवद गीता का पाठ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मुझे ये कोर्स दोबारा करना है सर्टिफिकेशन लेने से पहले, तो क्या तो आप ये जो कोर्स है, रिकॉर्डिंग्स है ना माता जी, आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं सारे रिकॉर्डिंग्स, और फिर आपके प्रश्न उत्तर का जो सेशन होता है वो भी जरूरी है। और क्या है, मैं एक गृहिणी हूँ
जी. तो इस ये जो समय है 7 से 8 वाला, वो मेरा बच्चे का, मेरे परिवार का समय है. तो मैं अपना पूरा इनपुट ना दे पा रही हूँ ना ले पा रही हूँ. हाँ तो माता जी, अभी आप जैसे कोर्स दोबारा से करना चाहते हैं तो अभी तो थोड़े समय के बाद में दोबारा से ये कोर्स होगा, तो जब भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. लेकिन जब तक आप ये जो रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, जो पिछले 6 दिन की रिकॉर्डिंग है, और आपका कोई प्रश्न अगर आता है उसके ऊपर, तो आप व्हाट्सएप जो अपना ग्रुप है, ग्रुप में आप है तो आप उसमें प्रश्न डाल सकते हैं, तो कोई भी एडमिन है उसका आंसर दे सकते हैं. लेकिन अगर आपको आगे फिर चक्र है, उसका प्रश्न मेरा ये था कि जैसे आपने काल चक्र के बारे में बोला है और समय कैसे होता है, अभी मानव देह मिला है जो हमको, और अभी कुछ अपने कर्म के हिसाब से दूसरा जीवन मिलेगा, तो उस बीच में सपोज अगर कोई मेरा कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से मुझे कोई दूसरे प्राणी का या किसी और चीज की आत्मा का अगर मुझे वो मिलेगा, तो वो भी कैलकुलेशन में आता है? मतलब दिन की आयु 1 दिन की होती है, जैसे बटरफ्लाई है कोई, सभी नहीं 100, 50 साल, 100 साल, 38 साल नहीं की कोई, कोई कीड़ा मकोड़ा होता है जिनकी आयु सिर्फ 1 दिन की होती है. जी जी जी. तो उस समय कैसे होता है, मतलब वो कैसे कर्म में किया जाता है कैलकुलेशन? तो जो 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 भी जानवरों के जो भी शरीर है या जो नीचे कैटेगरी के जो भी शरीर है, उनमें कर्म जनरेट नहीं होता माता जी, उसमें से कर्म फल हमारे नष्ट होते हैं उसमें. तो जी जैसे जैसे हम मनुष्य जन्म में कर्म जनरेट करते हैं, लेकिन जो हमारे कर्म फल हम मनुष्य जीवन में भोग भी सकते हैं, लेकिन जब हम और किसी जानवर के शरीर में या इस तरह के कीड़ों के शरीर में जाते हैं, तब हम सिर्फ कर्म फल भोगते हैं वहां पे, और उसमें हमारा कर्म जनरेट नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास उस समय जो मनुष्य की जो इंटेलिजेंस है, चॉइस है, वो नहीं रहता है वहां पे, तो इसीलिए उनको कर्म नहीं रहते हैं माता जी. तो यही जी, या जी, तो फिर तो हम वहां वैसा जीवन नहीं मिल सकता है हमें सिर्फ हमारे कर्म के हिसाब से. जिस तरह का जैसे बोला जाता है कि जो बहुत ही जलन करता है दूसरे लोगों के साथ, ईर्ष्या करता है, उसको जनरली सर्प का जीवन मिलता है, मतलब बहुत नीचे के लेवल का जन्म है वो, और वहां से दोबारा मनुष्य जन्म तक आने के लिए बहुत समय लग जाता है. और इसी तरह 84 जो होता है 1 लाख, वो उतने जन्म हमें लेने ही पड़ते हैं माना. 84 लाख योनियों के जन्म, जितने नीचे आप जाओगे उतने पूरे जन्म आपको, क्योंकि वहां पे तो कर्म नहीं है ना, तो वहां पे पूरा नेचुरल तरीके से आपको एवोल्यूशन में जो है उससे ऊपर की योनि, फिर उससे ऊपर की योनि ऐसे आना पड़ेगा, तो वो बहुत कठिन हो जाता है. तो इसीलिए उस रास्ते पे हम ना ही जाएं तो अच्छा है. हमको जन्म मिला है मनुष्य जन्म, तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम जितना कर सकें अपनी तरफ से प्रयास करें भक्ति करने का, भगवान को समझने का, ताकि अगर हमारा इस जीवन में पूर्ण रूप से ना भी हो पाया भक्ति, तो अगले जन्म हमको मनुष्य का मिले, और मनुष्य के जन्म में हमारे को कुछ ऐसी स्थिति भी मिले जहाँ पे हम भक्ति अच्छे से कर पाए. धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद माता जी आपके प्रश्न के लिए. बहुत अच्छा प्रश्न था, क्योंकि ये चीज क्लियरिफिकेशन बहुत जरूरी था कि किस तरह से हम अगले जन्म में हमको हो सकता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले, हमें कीड़े का जन्म मिल जाए, फिर वापस जन्म लेने में कितना टाइम बीत जाएगा. तो एक और प्रश्न है प्रभु जी. जी माता जी, क्या ये संभव है कि हमारे पूर्वज ही हमारे घर में वापस आते हैं हमारे बालक के स्वरूप में? वो भी सकता है और नहीं भी माता जी. ये जन्म जो भी है वो कर्म के ऊपर डिपेंड होता है, और कई बार उनकी जो मनोस्थिति रहती है मरते समय, बहुत ज्यादा अटैचमेंट की, उस कारण से भी ऐसा हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पुरखे ही हमारे मतलब हमारे घर में आएंगे, कोई भी आत्मा आ सकती. हेलो जी माता जी. हेलो गुरु जी. जी माता जी. गुरु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब लड़कियों की जब शादी होती है तो जी. ये समझाया जाता है कि ससुराल में तुम जा रही हो तो अपनी सास का मन जीतना है, ससुर के मुताबिक रहना है, मतलब तुमको सिर्फ ससुराल के अकॉर्डिंग मतलब सबका मन जीत के रहना है. तो मेरा ये शुरू से मतलब मैं इस चीज़ के लिए चिंतन करती हूँ कि ईश्वर का मन हम लोग कब जीते और उनके मुताबिक मतलब उन्हें कैसे जीत सकते हैं. उनका मन जीतने के लिए हमें मतलब हम जब लड़कियों की शादी होती है तो हम लोगों को यही बोला जाता है
कि ससुराल वालों के हिसाब से ढालना है, सास का मन जीतना है, घर वालों का मन जीतना है। तो मेरा ये शुरू से मतलब बचपन से मेरा यही एक मन में प्रश्न रहता है कि क्या हम लोगों को जीवन सिर्फ क्या इसी चीज़ के लिए मिला है कि पहले माता पिता के घर रहो तो उनके मुताबिक चलना है, फिर ससुराल आना है तो उनके मुताबिक जीना है, तो ईश्वर के लिए क्या मतलब सिर्फ हम लोगों को इसीलिए बस इसी चक्र में चल करके फिर समाप्त हो जाना है। तो मतलब मैं बचपन से ये मतलब इस प्रश्न को खोजने की है, मतलब मुझे कोई सही उत्तर नहीं दे पा रहा है इसका कि क्या मनुष्य जीवन से दूसरों का मन जीतने के लिए ही मिला है, क्या मैं ईश्वर का मन जीतने के लिए क्या करूं जी माता, मतलब जी। उद्देश्य क्या है जीवन में आने का। तो जैसे आप देखें कि जो नारी जीवन है बहुत ही उनको काफी सारा पेशेंस रखना पड़ता है, अगर आप देखें अगर कंपेयर करें जेंट्स और लेडीज को, तो उतना जो उनको बहुत धीरज रखना पड़ता है, उनके जीवन में बहुत सारे चीजें करनी पड़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देखें तो नारी जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, घर भी संभालना पड़ता है, सब पूरे रिश्तों को संभालना पड़ता है। जनरली जेंट्स जो है वो जल्दी अपने काम काज में ज्यादा बिजी रहते हैं और बाहर की चीजों को ज्यादा देखते हैं, लेकिन घर को संभालना और सबको संभालना एक बहुत बड़ी चीज है। तो हमको जो भी भगवान ने यही बोला है कि जो हमको जो हमारे कर्तव्य हैं उनको तो पूरा करना ही है। जैसे आप अर्जुन को देखेंगे कि जो क्षत्रिय थे उनको वहां पे युद्ध क्षेत्र में वो बोल रहे थे पहले कि मुझे लड़ना नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से और मैं भिक्षुक के रूप में जीवन यापन करूंगा, लेकिन भगवान ने उनको रोक दिया कि नहीं तुम्हारा ड्यूटी लड़ना है, तुमको यहाँ पे लड़ना ही पड़ेगा, और फिर उन्हें गीता का ज्ञान दिया। तो हम भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है, लेकिन उनके साथ में जो हमें जो ड्यूटीज मिली हैं उसको भी अच्छी तरह से निभाना है। और हमने माताजी लोगों के लिए तो काफी थोड़ा कठिन है एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे अब भी माताजी ने बोला था कि उनका खाने का बनाने का टाइम है, इस टाइम उनको ये क्लास अटेंड करना भी कितना मुश्किल हो जाता है, बच्चे रहते हैं छोटे घर में, उनको संभालना पड़ता है कभी कभी, तो थोड़ा ये टफ जरूर है, लेकिन हमको ये सबके साथ में भक्ति करना पड़ता है। तो धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस करें तो आ जाता है, ये बहुत मुश्किल है मुझे मालूम है, मेरे लिए बहुत आसान है कहना है कि आप ऐसा करिए, लेकिन हम घर में भी देखते हैं, हमारे घर में भी किस तरह से छोटे बच्चों का ध्यान रखते हुए खाना बनाना है, ये करना है, फिर भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका यही है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनको तो निभाना, आपको कर्तव्य निभाते चाहिए, और साथ में भक्ति में आपसे जो हो पा रहा है वो आप करें, क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं आपके आपके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद आप जो भी करते हैं उसका आपको फल जरूर मिलेगा। एक मिनट, माता जी ने हाथ रेस किया है, रेखा माता जी धन्यवाद। रेखा माता जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बस ये ऐड करना चाहती थी कि हम स्त्रियां हैं ना, हमारे लिए ये हम इमोशनल ज्यादा होते हैं, तो हमारे लिए भगवान से कनेक्ट करना पुरुषों के कंपैरिजन में इजी है। अगर हम उनको एक व्यक्ति हमारे घर का एक सदस्य समझें तो हम भगवान से बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे प्रेम कर सकते हैं, और जब हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं ना तो बाकी सारी चीजें अपने आप होने लगती हैं। जी, जैसे माताजी ने बोला कि जो लेडीज का जो झुकाव है वो भगवान के प्रति सहज रहता है, जब भी आप मंदिर भी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि माताजी की संख्या वहां पे बहुत ज्यादा है, और वो एक सहज प्रेम रहता है, जबकि जब आप पुरुषों को देखेंगे तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत लॉजिकल वे में जनरली वो इसको अप्रोच करते हैं। तो औरतों के लिए थोड़ा सहज है भक्ति करना, तो हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन भगवान ने एक कृपा दी है कि जो सहजता दी है कि आसानी से उनको श्रद्धा होती है भगवान के ऊपर और आसानी से वो कर सकते हैं। तो अगर आप सारी एक्टिविटीज बहुत सारी एक्टिविटी ना भी कर पाए तो आप भगवान का जप करें, थोड़ा टाइम के लिए जप करें, भगवान के लिए प्रसाद बनाएं, जब आप खाना बना रहे हैं तो आप प्रसाद बनाएं, वो भोग लगाएं भगवान को, इस तरह की एक्टिविटीज आप कर सकती हैं जिससे भगवान
प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपके सहज प्रेम देख के वो दूसरे लोगों से जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं आपसे। हरे कृष्णा माता जी, आपको संतोष मिला है उत्तर से, या कुछ डाउट अभी भी है? प्रगति माता जी। जी गुरु जी, उत्तर से आपको संतोष मिला है? जी, माता जी, जी ने बोले जी, 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 जी। हाँ गुरु जी, मेरा एक और प्रश्न है। जो मेरे पिताजी हुआ करते थे, उन्होंने मेरे को एक कथा सुनाई थी कि आदमी को, मतलब मनुष्य को उसके कर्मों के हिसाब से चाहे वो कोई भी जन्म का फल उसको कभी भी मिलता है। तो उन्होंने मेरे को ये कथा सुनाई थी कि जो भीष्म पितामह थे, तो जब वो देह त्याग रहे थे, तो जब उस समय भगवान उनके पास पहुँचे, तो वो बोल रहे थे कि हे वासुदेव, मैं अपने 70 जन्मों को मैं देख चुका हूँ, क्योंकि उनको तो मतलब उनके पास तो वो शक्ति थी कि वो अपने मतलब हर जन्म को वो देख सकते थे, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो वो ये पूछ रहे थे उनसे कि हे वासुदेव, मैं 70 जन्म अपना देख चुका हूँ, पर मुझे ये जो मुझे जो ये सैया मिली है, ये कौन से जन्म का कर्म मुझे मिला है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि बस 70 तो देख लिए, 2 जन्म और पीछे आप देखते तो 72वें जन्म में उन्होंने किसी जीव को सूल चुभो करके उसे ये सैया दी थी, तो उसी का उन्हें ये फल प्राप्त हुआ। तो मतलब ये मतलब 70-72 जन्म बाद भी मतलब उनको ये जो मिला था उनका फल, तो क्या ये सत्य है गुरुजी? जी जी, बिल्कुल सही है। ये कर्म का जो जो सिद्धांत है, किस तरह से काम करता है, मैंने पहले भी कर्म के जब सेशन ले रहा था तब धृतराष्ट्र का स्टोरी सुनाया था कि किस तरह धृतराष्ट्र के स्वपुत्रों के मरने के बाद उन्होंने कृष्ण से पूछा था कि किस तरह से ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि मतलब मैंने ठीक है अपने पुत्रों का फेवर किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाए, ये तो बहुत ज्यादा हो गया मेरे लिए, तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक पुत्र की किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या हाल होता है उनका, पेरेंट्स का, और यहाँ पर 100 पुत्र थे, 100 और वो भी सभी जवान पुत्रों की मृत्यु हुई थी। तो कृष्ण ने उनको यही बताया था कि बहुत जन्मों के पहले आपने 100 चिड़िया के बच्चों का आप हंटर थे, आपने शिकार कर दिया था, और उन चिड़िया को बहुत दुख हुआ था, तो इसी कारण से आपको ये कर्म फल मिला है। तो उन्होंने बोला कि इतने जन्मों के बाद क्यों मिला है, ऐसा क्या कारण था, उसी टाइम क्यों नहीं मिला, या उसके अगले जन्म में, आप बोल रहे हैं बहुत जन्मों के पहले। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास पुण्य कर्म ही नहीं थे कि तुम्हारे 100 पुत्र हो, उसके बाद तुम इस तरह की एक्टिविटीज थी तुम्हारी, फिर अगले जन्मों में जब तुम्हें मनुष्य जन्म मिला तो तुमने ये पुण्य कर्म अर्जित किए, और इसका फल जाके अभी तुमको इस जीवन में 100 पुत्रों का होने का, तुम्हारे पास पुण्य कर्म थे, और जैसे ही वो 100 पुत्र हुए तो जो वो 100 चिड़ियों को तुमने मारा था उसका कर्म जो प्रारब्ध आ गया और तुम्हारे सारे पुत्रों को मारा गया। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं, सोचिए आप एक चोर है, उसने कहीं पर चोरी करी है, या तो उसके पास अगर उसके पास वो सामान नहीं रहेगा तो उससे हम वसूल कैसे करेंगे, उसने कहीं छिपा दिया तो हम वसूल कैसे करेंगे, जब उसके पास वो सामान रहेगा तभी उससे वसूली की जा सकती है ना। तो इसीलिए जैसे आप, एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक व्यक्ति ने 100 लोगों की हत्या कर दी, आपने उसको उस जन्म में सूली पे चढ़ा दिया, लेकिन उसने तो 100 लोगों को मारा है ना, तो उसको उन 100 हत्या का रिएक्शन आना है, तो इस तरह से उसको अलग अलग जन्मों में उसका रिएक्शन आएगा, तो काफी जन्म भी लग सकते हैं इन सब चीजों के लिए। थोड़ा एक समय का जो चक्र, काल कर्म का जो चक्र है किस तरह से काम करता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण माता जी। एक क्वेश्चन था कि जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि बच्चा जब बॉर्न हो जाता है तो कुछ कुछ 8-10 दिनों में या 1.25 महीने तक वो हंसता है, अगर हंसता है तो भगवान उसको पूछता है कि तुम बेटा खुश तो हो ना, अभी जन्म मनुष्य जन्म मिला तुमको, तो इसीलिए बच्चा बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, ये माता पिता मिले मैं बहुत खुश हूँ, तो वो हंसता है। तो जब मनुष्य जब मर जाता है
और मान लीजिए कि जैसे ये पूरा जीवन जो है उसका पूरा टाइम मतलब ऐसे ना पैसों का सुख मिलता है ना बच्चों का सुख मिलता है, ऐसी कष्टदायी पूरा जीवन चला गया, तो वो मनुष्य तो नहीं चाहेगा कि अगले जन्म में उसको वापस से मनुष्य जन्म मिले। तो क्या भगवान क्वेश्चन पूछता है मृत्यु के पश्चात की मतलब मनुष्य जन्म मुझे नहीं चाहिए? नहीं, देखिए माता जी, हमारा जो भी अगला जन्म है हमारी चेतना के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी मृत्यु के वक्त क्या चेतना है या पूरे जीवन भर हमने क्या सोचा है। अगर मृत्यु के वक्त हमें चेतना नहीं है, सोचिए हम बेहोश हैं या सो रहे हैं या कोमा में हैं, तो हमारे पूरे जीवन में जो सोचा है हमारी जो मुख्य चेतना रही उस हिसाब से हमें अगला जन्म मिलेगा। और अगर मृत्यु के वक्त हम चेतन है और हमारे को जिस भी चीज का ध्यान आ रहा है, जिस भी चीज में हमारी ज्यादा आसक्ति है, उसके हिसाब से हमको नेक्स्ट जन्म मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जन्म मृत्यु के बाद मैं भगवान के पास जाऊंगा और फिर भगवान बोलेंगे कि तुम्हारी क्या इच्छा है, कौन सा जीवन चाहिए, ऐसा नहीं है। चेतना हमारी जो मृत्यु के वक्त रहेगी उसके हिसाब से हमको अगला जीवन मिलेगा। किसी को बहुत सोचिए, आपने देखा वो मृत्यु के टाइम पे कई लोग अलग अलग चीज की इच्छा करते हैं, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। किसी को मीट खाने की इच्छा है, सपोज बहुत उसको मीट खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो उसको पशु का जन्म मिलता है, जैसे शेर है या कोई इस तरह का मांस खाने वाला जानवर है उसका। कोई व्यक्ति हमेशा जलन करता रहता है और मृत्यु के वक्त भी उसकी वही मनोस्थिति है, तो उसे सर्प का जन्म मिलता है। और इस तरह से शास्त्रों में अलग अलग बताया हुआ है कि किस मनोस्थिति से हमको किस तरह का जन्म मिलेगा, और वहीं पे हम आखिरी समय अगर हम भगवान को याद कर सके तो फिर हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो आखिरी समय क्या चेतना है, इसलिए हम बोलते हैं कि जप करिए। क्यों करिए? जब आप जप करेंगे, नियमित रूप से जप करेंगे, तो हमारी जो चेतना है वो भगवान में स्थित रहेगी। और ये एक प्रैक्टिस के तौर पर बोलते हैं कि लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जाम। यानी हमारा जो पूरा संपूर्ण जीवन है ये एक प्रैक्टिस है कि हम भगवान में अपना दिमाग लगा सकें आखिरी वक्त पे। वो एग्जाम है डेथ, आखिरी क्षण हमारा एग्जाम है कि हमने भगवान को याद कर पाते हैं कि अभी भी हमें इसी भौतिक जगत में रहना है। तो हर लाइफ में हमारा वो टेस्ट आता है आखिरी में, और हर लाइफ में अभी तक हम कलयुग में तो हम फेल होते आ रहे हैं, हम हमेशा भौतिक जगत को चुन ले रहे हैं अपने लाइफ के आखिरी क्षण में। हमारा आसक्ति के वजह से हम भगवान को याद नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम इसी तरह से रहेंगे तो कलयुग के बाद हम अभी जो आने वाला समय है कलयुग में, उसमें भी हम वापस जन्म लेते रहेंगे। तो सबसे अच्छी चीज यही है कि भगवान में ध्यान लगाएं, भगवान के जप करें, उनकी पुस्तकें पढ़ें, उनके नाम रूप गुण लीला की चर्चा करें, तब हम आखिरी वक्त पे भगवान का ध्यान कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं ना कि कर्म अच्छा करोगे तो तुमको फल भी वैसे ही मिलेगा। कर्म कर्म ही खराब है पूरे जिंदगी में, और फिर मेरे को वो जो भरपाई जो अच्छा मतलब मुझे एंड में पता लग रहा है कि जैसे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन वो जो ये रहता है ना कि मुझे पछतावा करने का भी अगर मौका नहीं मिलता है तो फिर ये जो कर्म मेरे पूरे कर्म है इस जन्म के, तो क्या वो अगले जन्म में मुझे मौका मिल जाता है क्या? तो जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि आखिरी समय पे अगर आपको पछतावा हो रहा है, लेकिन जो समय नहीं मिला, हाँ भरपाई करने का समय नहीं मिला, तो क्योंकि आपने भगवान में ध्यान नहीं लगाया तो अगला जन्म तो मिलेगा, लेकिन वो पशु का होगा, किसी बीस्ट का होगा, किसी कीड़े का होगा, वो हमको नहीं पता है। वो आखिरी मनोस्थिति के हिसाब से हमको जीवन मिलेगा, और फिर धीरे धीरे जब हम मनुष्य जन्म में आएंगे तब फिर दोबारा से हमको एक और मौका मिलता है कि हम अपनी लाइफ को सुधार सकें, लेकिन वो कितना लंबा समय होगा वो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम कितनी योनियों से निकलेंगे उसके हिसाब से ये होता है। ओके, धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आप। तो दंडवत प्रणाम सपना माता जी। मेरा प्रश्न प्रभु जी, जैसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं तो जैसे कुछ फांसी लगा के कुछ जी जी ऐसे आत्महत्या कर लेते हैं तो उनका फिर कर्म उनका कर्म क्या होता है? जी माता जी, तो जिस तरह हमने देखा कि सुसाइड बहुत सारे लोग कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि
भगवान ने हमको ये शरीर दिया, एक एक माध्यम दिया कि जिससे हम अपने जीवन को सुधार सकें, मनुष्य शरीर दे के। लेकिन जब उसका हम गलत उपयोग करते हैं तो उसका पाप कर्म बहुत रहता है। और दूसरा चीज उसमें ये प्रॉब्लम है कि जब तक हमारे हमारे नए शरीर का अलॉट होने का एक समय रहता है, उसके पहले ही अगर हमने ये शरीर नष्ट कर दिया है तो फिर हम प्रेतात्मा बन के यहाँ से वहां भटकते हैं। और जब हम प्रेतात्मा बन जाते हैं, यानी हमारे पास ये भौतिक शरीर नहीं है, हमारे पास सिर्फ आत्मा है और आत्मा के ऊपर मन बुद्धि अहंकार का एक कवरिंग है, तो उसको बोलते हैं प्रेतात्मा या घोस्ट या भूत हम जिसको बोलते हैं। वो कुछ कर नहीं सकता है, उसको किसी चीज को टच नहीं कर सकता है, उसको बहुत सारे इच्छाएं होती हैं, जैसे कुछ अच्छी चीज देख के खाने की इच्छा होगी लेकिन उसको उठा के अपने मुंह में नहीं डाल सकता है, प्यास लगे तो पानी नहीं पी सकता है, तो इस तरह की सब चीजें होती हैं उसके साथ। उसको इच्छाएं आती हैं, अरे मैं ये चीज खा लूं या ये कर लूं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है, तो बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। और उसके बाद उसका पाप कर्म भी है जो अगले जीवन में उसको भोगना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो हमको एक अपॉर्चुनिटी दी भगवान ने कि हम अपने जीवन को सफल कर पाए, लेकिन उसको उन्होंने नष्ट कर दिया शरीर को, तो उसके कारण ये बहुत ही दुखदायी स्थिति उनके लिए हो जाती है। माता जी हरे कृष्ण, तो प्रभु जी तो ये बताते हैं कि मतलब ये भगवान ने ही आत्मा, जैसे भगवान ने ही लिखा है कि उनका इतना ही जन्म होना है, तो इसमें भी कुछ जी माता जी दोबारा प्रश्न दोबारा रिपीट करेंगे। जैसे जैसे बीच में सोचते हैं कि मतलब उनका इतना ही जन्म था, आप इतना ही इनकी उम्र थी, तो किसी के थ्रू होती है, तो ये अपना अपने आप अपने जो भगवान लिख देता है वो ही होता है। लेकिन ये सुसाइड केस में ऐसा नहीं होता है माता जी। सुसाइड केस में ऐसा हो गया कि सोचिए, आप एक थोड़ा अलग एग्जांपल देता हूँ, सोचिए आपकी कंपनी ने आपको एक, आप जहाँ काम करते हैं उन्होंने आपको एक मकान अलॉट किया हुआ है। अब वो मकान को उन्होंने बोला है कि भैया एक साल के लिए कम से कम या 3 साल के लिए आपके पास ये मकान रहेगा, या जब तक आप काम करेंगे कंपनी में, तो वो आपको अलॉट है। अब आप उसको छोड़ देंगे और बोलेंगे कि नहीं मुझे ये मकान नहीं पसंद है, मुझे दूसरा मकान चाहिए, तो कंपनी बोलेगी ये आपके लिए अलॉट था, अब आपको वेट करना पड़ेगा, जब 3 साल आपके खत्म होंगे दोबारा आपको दूसरा मकान अलॉट होगा। तो ये वही बात है कि हम खुद अपनी इच्छा से उस शरीर को ऐसा कर दे रहे हैं कि वो आत्मा के रहने लोग योग्य नहीं है। हम उसको, कई लोग अपने नस काट लेते हैं या ट्रेन के आगे आ जाते हैं या फांसी लगा लेते हैं, तो हम शरीर को खुद खत्म कर ले रहे हैं, आत्मा के रहने के योग्य नहीं बना रहे हैं। तो इसमें भगवान का लेना देना कुछ नहीं है, वो फिर आपको जब तक आपको दूसरा शरीर नहीं मिलेगा तब तक आपको भटकना ही पड़ता है। जी प्रभु जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आपने। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने क्वेश्चन पूछा तो बाकी लोगों को भी क्लैरिफाई हुआ होगा। और जैसा कि मैं यही प्रश्न पूछना था प्रभु जी कि क्या ये ईश्वर की इच्छा नहीं है कि उसका मृत्यु वैसे हो? बस नहीं, सुसाइड केस में ये नहीं होता है माता जी। सुसाइड केस में आदमी अपनी इच्छा से वो चीज कर रहा है, भौतिक गुणों के प्रभाव। प्रश्न था प्रभु जी, एक और प्रश्न था, जैसे आप बोलते हो कि जो सर्प का जो देह मिलता है या जो सर्प का जीवन मिलता है वो सबसे निचली कक्षा का जीवन होता है, उससे भी नीचे होता है, उससे भी नीचे कब? तो, अच्छा, लेकिन किंतु वो तो सर्प तो ऐसा एक प्राणी है जो जिसपे विष्णु जी खुद विराजते हैं, जो शंकर जी के गले में है, तो फिर और हम उसको पूजते भी हैं नाग देवता को, तो वो इतना कैसे है? नहीं, सर्फ से नीचे भी बहुत सारे यूनियन, जैसे और यूनियन देखेंगे आप तो जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो बहुत सारी यूनियन है, लेकिन जो सर्प का जो जनरली स्वभाव देखा गया है वो थोड़ा जलन वाला बोला गया है शास्त्रों में, तो इसीलिए उनको वो जन्म मिलता है। अब उसका कंपैरिजन आप शेषनाग से ना करें, शेषनाग एक मतलब भगवान का एक्सपेंशन है, तो वो बहुत अलग है, और हम नाग देवता की पूजा भी करते हैं जनरली, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन जो आप नॉर्मल सर्प का जन्म देखेंगे बहुत दयनीय जन्म होता है, तो आप देखें उन लोग देखते ही उसको मार देते हैं, अगर आपके घर के आसपास कहीं सर्प निकल आए तो कई बार उसको लोग मार देते हैं, नहीं तो सपेरे लेके घूम रहे हैं उनको, उनको कोई उनका लाइफ का स्टैंडर्ड आप देखें तो बहुत गिरा हुआ रहता है, उनको कोई फ्रीडम नहीं रहता है, कहीं वो अच्छे से निकल भी नहीं सकते, तो वो जीवन बहुत दयनीय है। ठीक है।
जी माता जी, प्रगति माता जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? एक मिनट में एक अनाउंसमेंट कर दूं सिर्फ, उसके बाद आप लोग से प्रश्न पूछ, क्योंकि काफी लोग फिर चैट मीटिंग छोड़ के चले जाएंगे। तो कल के जो हमने एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि कल अभिनंदन समारोह रहेगा, सभी लोगों के लिए रहेगा। वो सारे जितनी अलग अलग भाषाओं में ये जो कार्यक्रम है 11 अलग अलग भाषाओं में, उन सभी के लोग वहां पे आएंगे। और टेंपल प्रेसिडेंट है हमारे जो हिज ग्रेस नरहरि चैतन्य प्रभु, वो सबको संबोधित करेंगे। आपके अगले जो हम जो एडवांस कोर्स करने वाले हैं उसके विषय में बताएंगे, सर्टिफिकेट के विषय में बताएंगे। और इसके अलावा कीर्तन होगा वहाँ पे, भगवान के दर्शन होंगे। और आप लोग वहाँ पे अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा इस पूरे 6 दिनों के सत्र में, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को दूसरे और सब लोगों को देख के भी। तो उसके जो मीटिंग लिंक है वो अलग लिंक रहेगा, तो मैं कल उसको शेयर कर दूंगा। इसके अलावा जो एक टेस्ट के बारे में मैंने बताया था, उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन कल कार्यक्रम है इसलिए, और काफी लोगों ने पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं देखी, तो कल के बाद मैं शेयर करूंगा, तो उसको आप टेस्ट भी ले सकते हैं। इसके अलावा गूगल फॉर्म पे जरूर आप सर्टिफिकेट के अपने डिटेल्स डाल दें, क्योंकि नहीं तो बाद में अगर सर्टिफिकेट्स बनने के बाद फिर दोबारा से एक एक लोगों के लिए सर्टिफिकेट बनवाना बहुत मुश्किल होगा। तो प्लीज आप व्हाट्सएप में अपने जो लिंक दिया, यहाँ पे भी मैंने लिंक पेस्ट किया है, उन लिंक पे जाके आप अपना डिटेल्स जरूर डालें। तो अभी हाँ, अभी आपका प्रश्न माता जी, प्रगति माता जी पूछ सकते जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उस समय जो भीष्म पितामह, शुक्राचार्य और द्रोणाचार्य जो चुप रह गए थे, तो मैंने मतलब सुना है कि अन्न का प्रभाव के कारण क्या वो चुप रह गए थे, कि उनके कोई कर्म प्रारब्ध आ गए थे, कि जो उनके वो इतने पावरफुल होते हुए भी उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी, सिर्फ विदुर जी ने उसका विद्रोह किया था। तो ये ऐसा सुना है मैंने कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, तो क्या क्या इसका कारण अन्न का प्रभाव हो सकता है क्या? जी माता जी, तो इसमें बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि अन्न के प्रभाव से क्या होता है। तो यहाँ पे अन्न का प्रभाव भी था डेफिनेटली, क्योंकि आप जिस तरह का भोजन आप करते हैं और जहां से आपका कॉन्शियसनेस आ रहा, जैसे आपने देखा कि दुर्योधन का अन्न खा रहे थे वो लोग, तो जिस तरह से आपका कॉन्शियसनेस उससे इफेक्ट होता है। लेकिन इसके अलावा एक और प्रॉब्लम क्या था कि जब आप महाभारत का थीम देखेंगे, तो महाभारत का थीम है धर्म संकट। मतलब हर जगह हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि मेरा धर्म क्या है। और भीष्म ने ये लिया था, जो उन्होंने प्रण लिया था कि मैं सिंहासन पे जो भी बैठेगा उसकी हमेशा उसका साइड लूंगा, उसका उसका रक्षा करूंगा। तो एक उनके आड़े वो आ जाता था हमेशा। और भगवान की भी कुछ इच्छा, कभी कभी क्या होता है कि भगवान इस तरह से हमको भ्रम में डाल देते हैं कि उनका जो बड़ा प्लान रहता है, जो उसके कारण से कभी कभी वो उसको उस चीजों को, कई चीजों को होने देते हैं। तो इस बहुत सारे फैक्टर मिला के कारण थे, अन्न का प्रभाव भी था, उनका धर्म संकट भी था, तीनों का, क्योंकि तीनों सिंहासन के लिए कमिटेड थे और सिंहासन पे उस समय बैठे थे धृतराष्ट्र। तो इन सब चीजों के प्रभाव के कारण यह हुआ, केवल कोई एक ही फैक्टर को हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये अन्न का जो आपने फैक्टर बोला, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसलिए हम देखेंगे कि जो सन्यासी होते हैं या ब्रह्मचारी होते हैं, वो कहीं पे भी खाना नहीं खाते हैं। जैसे अगर आप उनको इनवाइट भी करेंगे कई लोगों को, तो वो घर पे काफी लोगों के खाना नहीं खाते हैं, वो सिर्फ अपने मंदिर में या खुद बना के खाना खाते हैं। क्योंकि कॉन्शियसनेस, जब हम खाना बनाते हैं तो वो कॉन्शियसनेस जो हमारा है, हम किस मूड में खाना बना रहे हैं। कई लोगों को हमने देखा है कि फिल्म देखते देखते खाना बनाते हैं, या इस तरह की गॉसिप करके खाना बनाते हैं, या झगड़ा भी होता रहता है कई बार खाना बनाते टाइम। तो उससे क्या होता है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो फूड में भी आती है, और जब हम उसको खाएंगे तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है अन्न का। और इसके अलावा जो हमने देखा है कि उनका जो धर्म संकट था, वो भी एक कारण है। और कुछ कुछ ईश्वरीय इच्छा भी रहती है, कभी कभी बड़े प्लान के लिए कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों को होना देते हैं। लेकिन उन्होंने द्रौपदी की लाज भी रखी, भगवान ने उनको उनको उन्होंने जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, तो वहां आके भगवान ने उनको बचाया भी। तो ये सब तीनों कारणों से, जैसे किसी भी कार्य, कोई भी कार्य जब होता है, तो बहुत सारे फैक्टर रहते हैं उसके पीछे,
कोई हमेशा एक ही कारण नहीं रहता, तो ये कारण था। जी गुरु जी एक आखिरी प्रश्न का उत्तर बस मुझे चाहिए आपसे, कहीं आप परेशान तो नहीं हो गए ना? नहीं नहीं माता जी, तो बाकी लोग बस ये मैं ये पूछना चाहती थी कि चरण स्पर्श का बहुत विधान है जी। बोलते हैं कि चरण स्पर्श हमें, हम जिसका भी करते हैं तो उसके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, और आज के समय में मतलब शायद बहुत लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, शायद इसका अदर मतलब वो ना निकाले, बहुत लोगों के विचार आज के समय में भी अच्छे नहीं होते हैं, पर मजबूरन हम लोगों को उनके भी बड़े बूढ़े होने के हिसाब से उनके चरण स्पर्श हम लोगों को करने ही पड़ते हैं, तो इसका बहुत प्रभाव स्वभाव पर पड़ता है। तो बस यही जानना था मुझे कि चरण स्पर्श का माता जी ऐसा है कि जनरली जो चरण स्पर्श हम अपने जो आदरणीय लोग हैं उनका लेते हैं, तो जनरली जो फ्लो है वो उनके अच्छे गुण जो है उनकी प्रायोरिटी हमारे पास आती है, और जो हमारे जो जो बोलते हैं दुर्गुण होते हैं उनको कम होते हैं। और आपने देखा होगा कि सन्यासी जो रहते हैं, जनरली आपको सीरियस सन्यासी जो रहेंगे आपको चरण छूने नहीं देते हैं, वो दूर से चरण आप उनको प्रणाम कर लीजिए, दंडवत कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जो चरण छूने के लिए उनके बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि हमारे पाप कर्म धुल जाएंगे, लेकिन उन लोगों को उनके पाप कर्म को ग्रहण करना पड़ता है, तो इसलिए काफी सारे सन्यासी इसको नहीं लेते हैं। तो हमें तो बड़ों के चरण हमेशा छूने चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो आप जैसे बोल रहे हैं कि उनके पाप कर्म हमारे ऊपर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि जो चरण स्पर्श कर रहा है, हम जब आशीर्वाद लेते हैं तो हमारे जो चीजें हैं नेगेटिविटी है जो चीजें हैं वो जाती हैं इससे, और उनका आशीष मिलता है तो पॉजिटिविटी आती है। तो जहां तक मेरी समझ है ये इसी तरह से होता है जो एक कारण है। तो चरण स्पर्श करते रहिए, कोई ऐसा बात नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। जी धन्यवाद। और किसी का कोई? जी जी माता जी। कल का प्रोग्राम का टाइम क्या रहेगा? हाँ माता जी, कल जो 7 से 8 रहेगा, मतलब शुरू होने का टाइम 7 बजे ही रहेगा, और इवनिंग रहेगा और लगभग 8 बजे तक रहेगा, हो सकता है थोड़ा सा और लंबा भी हो जाए क्योंकि काफी सारे लोग आएंगे। तो प्लीज अटेंड करिए, हमारे टेंपल के डीटीज जो हैं, भगवान है, अर्च विग्रह, उनके दर्शन होंगे आपको, और कीर्तन होगा, सब लोग एक साथ आके मिलेंगे, अपना जो भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और जो सारे प्रीचर्स हैं, जो भी सब लोगों ने क्लासेस ली हैं वो सब लोग आएंगे, अलग अलग लैंग्वेज के टेम्पल प्रेसिडेंट आएंगे, वो आप लोगों को संबोधित करेंगे और एनकरेज करेंगे, आपका धन्यवाद करेंगे। तो कृपया प्लीज कल आप सब उसमें आइए, तो आप लोगों को सबको बहुत अच्छा लगेगा, और भी टेंपल के बारे में जानने का मौका मिलेगा, क्या क्या टेंपल में हो रहा है, क्या एक्टिविटीज हैं, और आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको कल मिलेगी। और फिर मैं ये भी चाहूंगा कि एडवांस कोर्स आप लोग सब ज्वाइन करें, एडवांस कोर्स जो है संडे के संडे रहेगा, जैसे हम अभी 6 दिन एक साथ किए तो ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि एडवांस कोर्स में काफी ज्यादा रहेगा, ये तो अभी 6 दिन का बेसिक कोर्स था, तो हम संडे के संडे करेंगे ये क्लासेस को। तो कब कब से शुरू होगा, और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से रहेगा, कितने लोग रजिस्टर कर रहे हैं उसके हिसाब से हम शुरू कब से कर सकते हैं वो देखेंगे। तो आप सब से मेरा निवेदन है, उसका फायदा लें, रजिस्टर करें और जुड़े रहें हम लोगों के साथ में यही। और आप लोगों सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं देना चाहूंगा कि आपने इतने 6 दिन कोर्स को पहले तो रजिस्टर किया आप लोगों ने, क्योंकि कितने लोगों के पास ये जाता है इनविटेशन, लेकिन जिनके पास सुकृति होती है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वही ये सही निर्णय लेते हैं कि हाँ हमें भगवद्गीता के बारे में जानना है, भगवान के बारे में जानना है, अपने जीवन को शुद्ध करना है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई है कि आपने इस तरफ अपना कदम बढ़ाया, और आगे भी इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए, एडवांस कोर्स में भी मंदिर से जुड़े रहिए, और हम आगे और ये शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, चैंटिंग करेंगे, अपने जीवन को शुद्ध बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुमित उपाध्याय प्रभु जी के लिए बहुत
हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सरल रूप से अपने 6 दिन का सत्र सबको भी सरल रूप से समझाने की कोशिश किया है। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा, एक बार प्रभु जी के लिए जोर से हरे कृष्णा हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सरल रूप से आपने बनाया। धन्यवाद प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। सभी को एक बार भगवदगीता में बोल सकता हूँ एक शब्द से। भगवदगीता एक्चुअली 5180 साल अर्जुन को कृष्ण ने समझाया था। एक्चुअली अर्जुन का प्रश्न प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ये सभी हम सभी मानव के लिए प्रॉब्लम है। एक्चुअली हम समझना चाहिए कि अर्जुन का जो प्रॉब्लम था वो आज भी बना हुआ है, कलयुग में भी बना हुआ है। तो हमें इसको समझना चाहिए। ये एक्चुअली भगवदगीता एक्चुअली हमारा मैनुअल है, एक्चुअली मनुष्य का मैनुअल है। तो मैं आशा करता हूँ कि एक्चुअली आप सभी लोग भगवदगीता को रोज एक एक दो दो श्लोक पढ़ते रहना चाहिए। जी, इस तरह हमें एक्चुअली मोबाइल्स के साथ मैनुअल दिया जाता है, इसी तरह भगवदगीता भी एक मैनुअल है हमारे रोज के रोजमर्रा की जिंदगी में। तो इसको हमें बहुत गहराई से सुनना चाहिए भगवदगीता। उसमें आपका सभी प्रश्नों का उत्तर उसी में मिल जाएगा। आपको किधर जाने का जरूरत है, दो दो शॉर्ट लोगे तो आपको पता है आपका जिंदगी का सवाल उसमें छिपा हुआ है। हरे कृष्णा। बिल्कुल सही प्रभु जी। हरे कृष्णा। और जैसे कई लोग बोलते हैं कि आपने यूरोप नहीं देखा तो क्या देखा, आपने एफिल टावर नहीं देखा, आपने अमेरिका नहीं देखा तो क्या देखा। उसी तरह से एक्चुअली बात क्या है कि अगर आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी तो क्या किया पूरी लाइफ में। पूरी लाइफ हमारा वेस्ट चला जाता है अगर हमने भगवत गीता का ज्ञान नहीं लिया। तो इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए और हम भगवत गीता का और अध्ययन करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। श्रीमद् भागवत में शास्त्र तो इतना है कि जितना पढ़े कम है, लेकिन फिर भी हम ये कम से कम ये 2 शास्त्रों को तो हमको अपने जीवन में जरूर पढ़ना ही चाहिए और उसका ज्ञान से अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहिए। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, ये दोनों ग्रंथ जो हैं बहुत ही महान ग्रंथ हैं। और श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए उसको हर लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, और आप पूरे विश्व भर की लैंग्वेज में सबका भाषांतरण किया है। तो इसका फायदा हमको जरूर लेना चाहिए। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग आगे भी अपनी जर्नी बनाए रखेंगे आध्यात्म की, आज के प्रोग्राम को हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।